तोड़ वैसे रिवाइज हो जाएगा यानी आपका कॉन्सेप्ट तोड़ हो जाएगा एप्लीकेशन तोड़ हो जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके लिखने का काम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल बी हैविंग ए बेस्ट टाइम ओके फॉर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डेट फॉर श्यूर आई कैन टेल यू कि आपको जो बेहतरीन दिन याद रहेंगे मां कसम नाम बदल देना अगर वो भाई ये पचास दिन याद नहीं रहते एंड uh, इसके ऊपर अपन uh, छह बजे मिलेंगे मालिक बस आपको एक चीज याद रखनी है जो प्रशांत सर भी अपडेट करेंगे और मैं भी अपडेट कर रहा हूं और टेक्निकली uh, एक ही चीज है इज़ अबाउट मतलब कंसिस्टेंसी योर uh, अगर आप लेक्चर से कंसिस्टेंट रह रहे हो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होगी आप देखना आपका आगे का काम कितना आसान होता है मालिक तो तोड़ मिलते हैं मालिक छह बजे तो अभी मिलते हैं मालिक तोड़क यू तोड़। तुम लोग ऐसे वाकई में मिस करते हो या एक्चुअली ऐसे दिखाते हो इमोशनल होकर ऐसे भाई सर मिलने वाले वापस बीच बीच में बैच में बुलाते रहूंगा मैं विनोद सर को भी ठीक है सो so, हम्म okay. तो अब बात करते हैं गाइस तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सब लोग सब लोग पहले तो मेरी तरफ ध्यान देंगे आसपास वालों की तरफ ध्यान मत दो कोई काम में नहीं आएगा तेरा दोस्तों इधर ध्यान दे ठीक है तो वैसे भी लड़का है वो ठीक है इधर ध्यान ठीक है अभी भाई देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे थोड़ा बैच का प्लानिंग पहले सुन लीजिए उसके बाद हम लोग कंटेंट पर आएंगे ठीक है पहले तो आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा बस तू तो अभी चालू हो गया यार रुक थोड़ा इधर ध्यान तो हम लोग किस ढंग से पढ़ेंगे पहले समझ लीजिए और आपको इस कोर्स में क्या क्या यहां पर करना है सब कुछ मैंने लिखा है ठीक है तो ये जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये हम लोग सब गो थ्रू कर, कर प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड बहुत ही हंसते खेलते लाइट मूड में लाइट मूड का ये नहीं होता मीनिंग कि हम सिंसियरिटी से नहीं करेंगे सिंसियर रहेंगे बट लाइट मूड से मतलब क्या है कि कोर्स को बहुत टफ समझ के मत पड़िए कोर्स मेरे साथ आसानी रहेगा हंड्रेड परसेंट हंड्रेड एंड वन परसेंट बट उसको समझने का तरीका उसको डील करने का तरीका जो है वो एकदम लाइट मूड में रखिए ठीक है कॉन्सेप्ट जहां पर भी आएंगे मैं लिखवाऊंगा आपको लिखना है जहां कहीं पर भी फॉर्मुलेज आएंगे हम साथ में पहले डिस्कस करेंगे डिराइव करेंगे फिर आप फॉर्मुलेज लिखोगे जब आप फॉर्मुले लिखोगे रूल नंबर वन आपको स्क्रीन पे देखना ही नहीं है फॉर्मुलेज लिखना हो या प्रॉब्लम सॉल्व करना हो आपको स्क्रीन पर देखना ही नहीं है आर यू क्लियर अगर कंसेप्ट इधर है तो आपकी स्क्रीन की जरूरत है क्या आपको एग्जाम में ऐसा स्क्रीन रहने वाला है क्या माइंड का स्क्रीन ऑन होना चाहिए सही है ना तो गई माइंड का स्क्रीन ऑन होना है मतलब भी बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गए मैंने बोल दिया चलो अब मैं आपको सेवन मिनट्स दे रहा हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको बस सॉल्व करना है अगली बार फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सॉल्व कर चुका हूं और आप बोलोगे चलो अभी आप लिख लो इसका मतलब बट प्रिंटिंग प्रेस नहीं ऑन करने का कॉपी कर रहे स्क्रीन से बिल्कुल नहीं जरूरत ही नहीं है आपको स्क्रीन की तरफ देखने की आप खुद सॉल्व करो हाँ बट एक बार बाद में स्क्रीन की तरफ देखकर चेक कर लेना बराबर लिखा है क्या ठीक है कॉन्फिडेंस ठीक है और कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए क्या एफ एम स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्या वॉट डू यू फील उधर से आवाज नहीं आ रहा है मुझे हमारे साथ स्कोरिंग रहेगा हमारे साथ स्कोरिंग रहेगा क्योंकि यहां पर होंगे पूरे सिलेबस के कंसेप्चुअल डिस्कशन क्यूमिटिव टेस्ट क्यूमलेटिव रिविजन समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान दे रहे हो क्या मेरी तरफ तो यहां पर क्यूमलेटिव टेस्ट जब होंगे तो क्लास आवर्स के अंदर नहीं होंगे ऑब्वियसली क्लास के बाद इवनिंग में रुकना पड़ेगा आपको टेस्ट देने के लिए फेस टू फेस वालों क्या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वालों के लिए भी टेस्ट रहेंगे हंड्रेड परसेंट रहेंगे सब कुछ रहेगा बट किस तरीके से क्या क्या होगा उसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर यहां पर शीट रखी है जिसमें हम गो थ्रू कर लेंगे एक बार तो सबसे पहले गाइस ये सीए इंटरमीडिएट एफ एम का बैच कौन से एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है तो बोलने की जरूरत है ही नहीं ऑफकोर्स ये किसके लिए एप्लीकेबल है गाइस मे ट्वेंटी फोर एंड नवंबर ट्वेंटी फोर क्या दोनों के लिए एप्लीकेबल है yes, यस हंड्रेड परसेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है वो है बैच का ड्यूरेशन क्या है वो टाइम पर कंप्लीट होगा कि हमको इनफ टाइम मिलेगा हमारे के लिए, हमारे के लिए, सब कुछ. तो इस बैच का ओवरऑल ड्यूरेशन जो है डेज में बता दू तो अप्रोक्स फिफ्टी डेज रहेगा अप्रोक्सीमेटली बोला है मैंने एक दो दिन बढ़कर ही पकड़ लो कम नहीं और 120 ट्वेंटी आर्स अगर मैं आपको आवर्स में बताऊ कितना 120 तो 120 वापस है ये वो से एक दो घंटा ज्यादा ही पकड़ लो कम नहीं होगा क्या संडे बैचेस होंगे अगर मैं यहां पर फिफ्टी फाइव डेज लिख रहा हूं तो संडे को बैचेस कुछ जगह होंगे कुछ जगह नहीं होंगे ठीक है वो डिपेंड करता है मुझ पर म्यूचुअली डिपेंड करता है ठीक है देन बैच का ड्यूरेशन क्लियर है तो ये बैच का एंड डेट क्या रहेगा सर नी वे गोइंग टू बी एंडेड थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी लास्ट डेट मतलब लास्ट डेट रहेगा एक दिन भी आगे नहीं जाएगा पीछे भी नहीं जाएगा अगर दिन बचेंगे तो रिविजन के लिए मिलेंगे मगर पीछे भी नहीं जाएगा और एक दिन भी आगे नहीं जाएगा ऑलमोस्ट जितनी आपकी एज है उतना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे आपको बता दू मैं आपको जितना आपका एज है ऑलमोस्ट उतना सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर मैं आपको बोल रहा हूं ये बैच एक दिन भी आगे नहीं जाएगा इतने ही ड्यूरेशन में हम उसे कंप्लीट करेंगे और आप यकीन मानो मेरी बात आप सपने में नहीं सोच सकते इतने कम टाइम में इतना अच्छा होगा इतने अच्छे से बैच कंप्लीट होगा बस आपको आपके दिल और दिमाग में ये सपना जगाना है कि ये सब्जेक्ट अपना है ठीक है ऑल ऑफ यू अब नोट्स कौन से रहेंगे सर अब 30-70 का जो पैटर्न बना है एमसीक्यूज़ एंड अदर पार्ट तो 30-70 के एंगल से मेरे नोट्स चेंज हो चुके गाइस नए नोट्स आए हैं क्लासरूम में जो लोग हैं उन, उनके लिए स्पायरल नोट्स से ताकि आप कंफर्टेबली इसको फोल्ड कर पाओ और ये नोट्स जो है मेरे पास जो रहेंगे मेरे पास जो नोट्स रहेंगे वो इस तरीके से आपको दिखेंगे नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है गाइस ठीक है नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है और आपको दिख रहा है नोट्स पूरा ये टाइप के आपको नोट्स दिखेंगे ऑब्वियसली आज फर्स्ट इसलिए स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा रखा है हम लोग कल से स्क्रीन का साइज थोड़ा और बड़ा कर देंगे ये जो आईपैड दिख रहा है आपको और भी क्लियरली दिख पाएगा ये आपको स्क्रीन तो <clears throat> ये जो नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है ये आज से दो साल पहले मैंने स्टार्ट किया था दो साल नहीं तो, दो अटेम्प्ट पहले मैंने स्टार्ट किया था मैंने विनोद रेड्डी सर को एडवाइस दिया कि सर आप नो नोटबुक कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और उन्होंने ये भी कर लिया। और साथ उन्होंने मुझे एक दिया। एक नहीं, दो पहला। तुमने दिया था क्या तो उन्होंने मुझे पहला सजेशन दिया कि प्रशांत ये कलर नोट्स जो है ये कलर मत रख यह ब्लैक एंड व्हाइट रख जब बच्चों के हाथ में आएंगे और स्टूडेंट्स इसे कलर करेंगे लिख लिख कर तो क्या ये कलर नोट्स आपके हाथ में आएंगे नहीं बैच के एंड में ये कलर नोट्स कहलाएंगे आपके एफर्ट से आपको बस करना क्या है अलग अलग कलर के पेन्स यूज करना है और इसे मिलकर हम साथ में कलर नोट्स जैसे ही बनाएंगे रेडीमेड कलर नोट्स का क्या करोगे आप अफकोर्स देख रहे हो आप हमारे पास उस स्क्रीन पर कलर नोट्स रेडी है लास्ट बैच तक ये सब ऐसे ही दिया जाता था बट अब आपके बैच के लिए ये चेंज किया गया है बिकॉज जो पॉजिटिव सजेशन उसको इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आपने ठीक है नो नोटबुक क्या होता है गाइस मैं आपको समझा देता हूं जिन लोगों को पता नहीं है नो no, नोटबुक no, no क्या है तो सिंपल सा एक ऐसा आपको बुक मिलता है जिसमें हर क्वेश्चन के नीचे ही जगह होती है उसे सॉल्व करने की और मेरे नोट्स में आपको जहां जहां पे कॉन्सेप्ट वाइज आपको लिखना है कुछ कुछ फॉर्मूले के लॉजिक लिखना है कुछ पार्ट लिखावाना है मुझे और आपको मैं बोल रहा हूं कि ये लिखो तो आपको जगह वहीं पर मिल जाएगी और अगर आपको एक, इसके अलावा एक्स्ट्रा और कुछ लिखना है तो भी स्कोप है कैसे स्कोप है नोट्स यस देखिए अल्टीमेटली अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है पहले समझ लीजिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अपना बहुत सिंपल है बैच के एंड में ना ये नोट्स तुम्हारे अपने रहने चाहिए द कॉन्फिडेंस वॉट यू गेट इज नॉट फ्रॉम दैट प्रिंटेड नोट्स उस प्रिंटेड नोट्स के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जब अपन अपनी हैंडराइटिंग से चीजें लिखते हैं ना तब कॉन्फिडेंस आता है सही बोला कि नहीं <laughs> तो बस बैच के एंड तक आपको आपका ये नोट्स जो है ये भले ही 310 310 310 पेज 350 जितना भी होगा 310 का है शायद पेजेस इसमें है बट आपको बनाने इसको ऑलमोस्ट 350 पेजेस स्टिकी नोट ये वो इधर उधर लिख कर ये नोट्स को क्लीन नीट टाइडी बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि अपने को अपने एग्जाम के बाद इसे यूज करना है क्या नहीं करना है तो जिस किसी को भी इसको यूज नहीं करने की इच्छा है वो लिखेगा ठीक है क्या कितने कितने नोट्स रहेंगे? कितने नोट्स रहेंगे? रहेंगे? तो तीन नोट्स से अपने ये जो बात कर रहा था मैं ये नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है इसके अलावा एक क्वेश्चनियर बैंक विथ एमसीक्यू बैंक दोनों भी रेडी होकर आपके हाथ में मिल जाएगा ये वीक के अंदर क्वेश्चनियर थ एमसीक्यू बैंक क्या है सर क्वेश्चन में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है और एमसीक्यूज भी है मोर देन फोर हंड्रेड सॉल्विंग इन द क्लास क्वेश्चन बुक भी डिस्कस होगा क्या सर पूरा का पूरा ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस होगा उसमें क्या होगा सर क्या हमें इस बुक्स के अलावा और एमटीपी आरटीपी वगैरह प्रैक्टिस करना है मॉड्यूल देखना है इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट कुछ भी नहीं देख रहे हैं आपको सब कुछ इंक्लूड करके दिया है आपको तो कुछ और देखने की जरूरत वन परसेंट भी नहीं है वन परसेंट भी नहीं आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन सब कुछ कवर होगा डोंट वरी तो नोट्स उस पैटर्न के रहेंगे तीसरा जो नोट्स आपको मिलेगा वो रहेगा चार्ट बुक जो आपके रिवीजन के लिए काम में आएगा मैडम नो no हिट डाउन मैडम ध्यान दो अभी सुस्त मत बैठना ऐसे खाना खा के ठीक है तो यहां पर मेरे साथ जितने भी लोग हैं, उन सबको यह पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि तीन नोट्स मिलेंगे नो नोटबुक कॉन्सेप्ट को हम टेक्स्ट बुक बुलाएंगे ठीक है देन क्वेश्चन बुक विथ एमसीक्यू बैंक एंड तीसरा चार्ट बुक फॉर फटाफट रिविजन ठीक है टेस्ट कब कब होंगे सर उसके बारे में भी आएंगे आप आगे टेस्ट पे भी डेमो लेक्चर किस पर अवेलेबल रहेंगे दो यूट्यूब चैनल से. दोनों को आपको सब्सक्राइब करना है आप फेस टू फेस वाले हो बट फिर भी सब्सक्राइब करना है जो लोग यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं दोनों चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है ऑब्वियसली ये दोनों चैनल चैनल पर आप सब्सक्रिप्शन करोगे पहला है विनोद रेड्डी और दूसरा है वी स्मार्ट वी स्मार्ट स्मार्ट ये दोनों चैनल पर ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है लेक्चर और आपको ये दोनों चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है कितने दिन तक ये लेक्चर्स चलेंगे यूट्यूब पर टारगेटेड है फाइव डेज फिफ्थ डे ऐप भी होगा और यूट्यूब भी होगा ऐप कौन सा होगा सीए प्रशांत सरडा ऐप ठीक है एफएम के लेक्चर किस पे चलेंगे सीए प्रशांत सरडा ऐप पे चलेंगे और फिफ्थ डे अगर फिफ्थ डे अगर ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आया तो सिक्स डे वापस यूट्यूब रहेगा दसवें दिन तक भी प्रॉब्लम आया तो यूट्यूब रहेगा जब तक लेक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम यूट्यूब मतलब ऐप में है तब तक यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगा बट वी आर टारगेटिंग की फिफ्थ डे इट शुड बी ऑल गुड एंड वी विल बी स्मूथली शिफ्टेड टू ऐप कभी कभी अचानक ट्रैफिक उस ऐप पे होने से ऐप कभी क्रैश होता है कुछ होता है नथिंग टू वरी जो लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग बुक किया इंडिया भर में कहीं से भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो कोई भी हालात में रुकेगा नहीं ठीक है YouTube पर चलता रहेगा मैटर मेरे कितने YouTube पर है। Inconvenience, कहीं पर कहीं भी आपको नहीं होगा ठीक है होगा, activation की वगैरह सब कुछ आपके mail पर आता है, सब कुछ एक्टिवेट होने के बाद ही हम लोग शिफ्ट करेंगे don't worry. कौन से मोड्स में ये बैच अवेलेबल रहेगा दिस बैच विल बी अवेलेबल फेस टू फेस जो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए उसके साथ साथ ये बैच अवेलेबल रहेगा जीडी फॉर्मेट में लाइव स्ट्रीमिंग फॉर्मेट में और उसके साथ साथ पीडी फॉर्मेट में भी अवेलेबल है बट पेन ड्राइव जो है एक महीने के बाद आता है तो ड्राइव मोड इज अदरवाइज तो सब कुछ अवेलेबल है यहां पर फेस टू फेस में मेरे पास जो क्राउड है मैं उनको भी दिखा देता हूं ये लाइव स्ट्रीमिंग वाले लोग और यूट्यूब वाले लोग सब लोग देखो भाई कि कैमरा घुमाएंगे ये मैं हूं ठीक है और ये है हां हां एक मिनट एक मिनट ये है हमारे फेस टू फेस की पब्लिक और यहां पर उस तरफ भी है सो so गाइस ये देखिए और उधर के कवरेज क्षेत्र में लाते लोगों को ये देखिए सो so, ये फेस टू फेस मोड होता है जहां पर ये बैचेस कंडक्ट की जाती है और उसके साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी है आप कैमरे पे हो यूट्यूब पर हो? ओके ठीक है तो फेस टू फेस जीडी पीडी लाइव स्ट्रीमिंग में सब में अवेलेबल है ये बैच बैकअप फॉर फेस टू फेस स्टूडेंट गोल्डन क्वेश्चन फॉर यू आपको पूरा का पूरा बैकअप दिया जाएगा और आप उस बैकअप में आप उस बैकअप में एक दिन भी नहीं रहोगे जब जब आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है कोई प्रॉब्लम है बीकॉम के एग्जाम बीकॉम बीकॉम कर रहे हैं कर रहे हो बीकॉम के एग्जाम अगर रहेंगे तो उस केस अगर कोई भी कारणवश आप यहां नहीं पहुंच सकते हो तो आपका बैच का टी परसेंट बैकअप आपको काम में आएगा ठीक है और उसके साथ साथ नो नोटबुक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया है नो नोटबुक कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरलिंक होता है उधर की उधर कॉन्सेप्ट भी बैच के टाइमिंग्स क्या रहेंगे तो एफ का टाइमिंग क्या है थ्री थर्टी टू 5:45 पीएम बट गाइस बट अगर कोई भी कारण से एडी सर को अवेलेबल नहीं मतलब एडी सर अवेलेबल नहीं उनको कुछ प्रॉब्लम है तो आई विल सेवन फिफ्टीन और कभी उनको अवेलेबल अवेलेबिलिटी उनका है बट मेरा अवेलेबिलिटी नहीं है तो ही विल कंटिन्यू द फुल टाइम काफी लोग पूछ रहे थे सर एफ एम एस एम कंबाइन लेना पड़ेगा क्या फेस टू फेस वालों के लिए तो द रीजन वाई बी एफ कंबाइन इज वेरी सिंपल आपका टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस दिया है थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी तो मान लीजिए दो दिन बाद एटी सर को क्लास नहीं लेना है एनी रीजन आई टेक दो हफ्ते बाद मेरा पॉसिबल नहीं है ही विल विल टेक बट आई वी एंश्योर कि आपका टाइम वेस्ट ना हो लाइव स्ट्रीमिंग हो जीडीपीडी हो इनको प्रॉब्लम नहीं होता ये घर बैठे ये स्विच कर सकते बट आप लोग फेस टू फेस वाले यहां पर आते हो हमारे लिए तो आपका इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए इसीलिए एफ एम विथ एस एम रखा गया है दैट इज सोल रीजन अदरवाइज हमें कोई मतलब ऐसा कंपल्शन करने की जरूरत नहीं थी आपके कन्वीनियंस के लिए आपके सिलेबस कंप्लीशन के एंगल से ये हमने कन्वीनियंस रखा है आर यू क्लियर अबाउट द इंटेंशन नाउ यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल आपको मैंने बता दिया विनोद रेड्डी यूट्यूब चैनल एंड वी स्मार्ट यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना है इसके साथ साथ एक और चैनल आपको सब्सक्राइब करना है मेरा और एडी सर का कॉमन चैनल है वो तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस क्या नाम है तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस ये चैनल पर हमारे एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी आएंगे तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब भी निकाल लो मोबाइल सब्सक्राइब कर लो तुरंत कर लो तुरंत कर लो यू कैन यूज द ऐप ऑन लैपटॉप ऑल्सो यू कैन यूज द ऐप ऑन मोबाइल ऑल्सो मोबाइल के तक लाइव स्ट्रीमिंग एंड्रॉइड पे चलता है बैकअप लेक्चर आप एंड्रॉइड पे भी देख सकते हो और आईफोन पे भी आईओएस पे भी देख सकते हो यू कैन यूज दी टैबलेट्स फॉर योर लेक्चर बट कोई भी एक डिवाइस एक्टिवेट करना एक साथ दो डिवाइस नहीं चलते अगर आपको दूसरे डिवाइस पे शिफ्ट करना होगा तो इधर से डी रजिस्टर कर कर उधर जाना होता है चलिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले बी स्मार्ट सेकेंड इज विनोद रेड्डी चैनल एंड थर्ड इज तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस वाला किया गया सब्सक्राइब यूट्यूब पे जितने लोग हैं सबके लिए भी एप्लीकेबल है ये यस yes. ओके okay. अब टेलीग्राम चैनल पर सभी नोटिफिकेशंस आएंगे आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस टेलीग्राम का कौन सा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है सी ए प्रशांत साडा डैश इंटरमीडिएट एफ एम सी ए इंटरमीडिएट सी ए प्रशांत साडा डैश करके आगे इंटरमीडिएट चैनल इनाम एफ ठीक है ये तुरंत आप सब्सक्राइब करके रखिए सब लोग जितने भी लोग मेरे फेस टू फेस में हैं या जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं ऑनलाइन किया टेलीग्राम चैनल जरूरी है और उसके साथ साथ आई एम श्योर कि अब तक आपने विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल भी ले लिया है अच्छा ये टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा तो आपके जो भी लेक्चर हम अभी यहां पर ले रहे हैं इसमें ये जो भी लिखा जा रहा है स्क्रीन पर ये भी रेगुलर बेसिस पर टेलीग्राम पर शेयर होता है आज का ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नहीं इससे ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ जो रहेगा वो भी शेयर होगा और उसके साथ साथ पूरा का पूरा एफ एम नोट जो है सॉफ्ट कॉपी में टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा तो आपके यहां पर जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हैं जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े अगर आपके घर तक मेरे नोट्स नहीं पहुंचे होंगे अब तक तो आप बस ये टेलीग्राम चैनल पर वेट कीजिए आज शाम में सॉफ्ट कॉपी ऑफ माय कंप्लीट बुक विल बी ऑन टेलीग्राम और आप लोग भी डाउनलोड करके रख लीजिए आपके मोबाइल में ठीक है ताकि आप कहीं से भी पढ़ सको नाउ टेस्ट ड्यूरिंग द बैचेस कैसे कैसे होंगे तो आई विल बी कंडक्टिंग टेस्ट आफ्टर चैप्टर्स लाइक अगर दो चैप्टर हो गए तो कंबाइंड टेस्ट फिर और दो चैप्टर हो गए तो चारों का टेस्ट मतलब टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा क्यूमलेटिव टेस्ट टिव क्यों जरूरी है हमारा ब्रेन जो है वो फीफो पे काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है फर्स्ट इज आउट फर्स्ट अच्छा फर्स्ट इन फास्टेस्ट आउट है विल रिटेन वी विल रिटेन हियर बाय टेकिंग क्यूमिटिव टेस्ट क्यूलिटिव टेस्ट के वक्त क्या होगा आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू गाइज द क्वेश्चन पार्ट टेस्ट में एमसीक्यूज आएंगे क्या ये yes. एग्जाम में आते हैं ना टेस्ट में भी आएंगे आर यू क्लियर क्या वो एमसीक्यूज हम हमारे हम बुक से पहले प्रैक्टिस करेंगे यस yes. आप पहले करोगे बाद में मैं डिस्कस करूंगा क्या टेस्ट के पेपर्स का भी डिस्कशन होगा ये yes, बट वो यूट्यूब पर होगा क्योंकि इतनी चीजें मैं क्लास में कर दूंगा तो क्लास का ड्यूरेशन कम हो जाएगा आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कॉन्सेप्ट एफ का क्वेश्चन बुक विद एमसीक्यू बुक बट बट आपका जो टेस्ट का डिस्कशन है क्वेश्चन के आंसर का वगैरह वो पूरा यूट्यूब पर रहेगा जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स है उन सभी के लिए मेरे ये टेस्ट के जो पेपर्स रहेंगे वो पीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज चेक करके देगा और चेकिंग कैसे होगा रिमार्क्स के साथ होगा लेफ्ट साइड राइट साइड रिमार्क दिए जाएंगे आपको एवरी क्वेश्चन पर और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर पर भी आपको रिमार्क दिया जाता है ध्यान दो उन तीनों लोग भाई क्या कर रहे हो शर्ट भाई दोस्ताना इधर नहीं दिखाने का आपने को ठीक है तो यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका चेकिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज उनका ऑनलाइन वगैरह होता है तो ऑनलाइन चेकिंग करकर ऐप पर लोड आ जाएगा इतने सारे स्टूडेंट्स का चेकिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट मेरे जेस्टेड आंसर भी टेलीग्राम चैनल पे रहेंगे टेस्ट का डिस्कशन का वीडियो भी टेलीग्राम चैनल पे रहेगा कुछ लोग फेस टू फेस वाले सोच रहे होंगे सर हम टेस्ट नहीं देंगे तो मैं आपको बता देता हूं टेस्ट जो देता है उसी का अटेंडेंस शीट बनता है और अगले दिन एंट्री होनी को बनती जो लोगों ने पिछली बार टेस्ट दिया था ये अपने क्लास का पैटर्न है और ये अगर आपको यकीन नहीं आता है, तो पिछले बैच वालों को पूछ लेना ठीक है तो आपको टेस्ट यहां पर देना है क्या ये कंपल्शन है आपके पास चॉइस नहीं नहीं ठीक है, देन टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं होगा कब देंगे सर सुबह से शाम तक क्लास कर रहे हो सकता है ना हो सकता है ना ठंडे लोग यार बहुत सुस्त लोग यार पढ़ लोग हैं ना टेस्ट के लिए गुड गुड <coughs> टेलीग्राम लिंक डोंट वरी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो लोग यूट्यूब पर है ठीक है सो इज टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब का लिंक सब कुछ डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज जो है ये आपके पूरे सिलेबस कंप्लीशन के बाद ली जाती है थर्टी फर्स्ट जनवरी को आपका सिलेबस कंप्लीट होगा एंड पी एस का टेस्ट सीरीज जो है वो ट्वेंटी फरवरी से स्टार्ट होगा यहां पर टेस्ट सीरीज जो होता है ये पेड टेस्ट सीरीज होता है ये अलग है वो अपना बैच का जो ड्यूरिंग द बैच चैप्टर वाइज होता है cumulative, वो आपको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट है बट जो यहां टेस्ट सीरीज लिखा है आगे ये प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर हम लोग फिफ्टी परसेंट सिलेबस नेक्स्ट फिफ्टी परसेंट सिलेबस फिर हंड्रेड परसेंट सिलेबस फिर हंड्रेड परसेंट सिलेबस तो टोटल कितने टेस्ट टेस्ट लेते हैं हम लोग चार फर्स्ट आपको बीस दिन का समय पढ़ने के लिए बीस फरवरी से स्टार्ट होगा फर्स्ट टेस्ट एंड होने के बाद सेकेंड टेस्ट के लिए अगले और बीस दिन का गैप रहेगा आपका हंड्रेड परसेंट सिलेबस पढ़ाई करके हो जाएगा पहला फिफ्टी बाद फिफ्टी फिर आपका सेवन डेज का गैप रहेगा फिर हंड्रेड परसेंट सिलेबस पे टेस्ट होगा इसका मतलब हंड्रेड परसेंट सिलेबस पढ़कर हो गया था आपको रिवाइज करने के लिए सात दिन दिए गए और फिर वापस टेस्ट खत्म होने के बाद फिर सेवन डेज का गैप रहेगा और लास्ट हंड्रेड परसेंट होगा तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट के ए और बी दो टेस्ट हंड्रेड परसेंट के भी दो टेस्ट ऐसा ये पेड टेस्ट सीरीज का पैटर्न होता है इसको अगर आपको एनरोल करना है तो आपको पी एस अकेडमी को कॉन्टेक्ट करना होगा ठीक है उसके भी हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियोस के नाउ फ्रेंड्स आफ्टर द बैच वॉट इज द सपोर्ट फॉर यू बैच कंप्लीस के बाद सपोर्ट का मतलब क्या होता है समझ लेते पहले पढ़ाई तो आपको ही करनी है गाइस बट पढ़ाई के दौरान कभी कभी आपको एम टीपी आर टी पी ऐसे आईसीआई भेजते रहता है जो भी आईसीआई भेजेगा ना सब कुछ हम मिलकर सॉल्व करेंगे क्लासेस के बाद भी क्लासेस के बाद जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बोले हैं उन चैनल्स पर मेरे वीडियो आएंगे लाइव वीडियो रहेंगे आप लाइव स्ट्रीमिंग में अटेंड कर सकते हो आपको लगता है कि पेपर बहुत आसान था लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ने की जरूरत नहीं है मैंने सॉल्व कर दिया है एमटीपी मैंने सॉल्व कर दिया आरटीपी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना हमको किसी को इंडिया में दिखाना ही नहीं है कि मेरे लाइव कितने स्टूडेंट से मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में ही ज्वाइन करना जरूरी नहीं है आपको अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन ही टफ था मुझे प्रशांत सर का वो एक क्वेश्चन ही देखना है क्या किया सर ने तो डोंट ज्वाइन लाइव स्ट्रीमिंग डायरेक्टली लाइव स्ट्रीमिंग एंड होने दो मेरे वीडियो वहीं पर रहते हैं और आप बाद में रिकॉर्डेड में उतना आगे जाके देख लेना कहां पर आपको क्या दिक्कत आई है बट आपका सपोर्ट सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ दीपी इन द दर टी पी इन द फॉर्म ऑफ योर मैराथन लेक्चर विल ऑलवेज बी देर फ्रॉम माई साइड डोंट वरी एट ऑल तो आफ्टर बैच हम क्या करेंगे ये सब करेंगे अगर इंस्टीट्यूट ने कोई नया क्वेश्चन बैंक रिलीज किया एमसीक्यू का मेरा वादा है मैं आपके साथ यूट्यूब पर सॉल्व करूंगा उसे डोंट वरी एट ऑल आपका बैच खत्म हुआ इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा कुछ क्वेरी <coughs> सॉल्विंग के लिए सिस्टम बहुत सिंपल है चार्ट बुक आपको मिलेगी उस पर मेरा पर्सनल नंबर रहेगा मेरा पर्सनल नंबर वाकई में वही नंबर है जो मेरा सेल फोन अभी मैं कैरी कर रहा हूं तो प्लीज एक ही काम कीजिए आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो एक नॉर्मल पर्सन के होते हैं सुबह नौ से लेकर शाम को आठ तक नौ तक बस उस ड्यूरेशन में आप मैसेज करोगे व्हाट्सएप करोगे और शांति से वेट करोगे दो दिन का मैक्सिमम आपको रिप्लाई आ जाएगा कभी कभी हम फ्री रहते हैं हम एक दो मिनट में रिप्लाई कर देते कभी कभी हम फ्री नहीं रहेंगे हम अगले दिन रिप्लाई कर देंगे बट कर देंगे अगर एक एखा मैसेज रिप्लाई नहीं हुआ आप रिमाइंडर दे दीजिए हम कर देंगे ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अमित सर है दिन में चार बार क्वेरी सॉल्विंग करते हैं कम से कम पचास वॉइस नोट भेजते बच्चों को हमसे इतना नहीं हो सकता है मैं एक हाँ दिन के अंदर करता हूं और विनोद सर शायद दो दिन के एंड पर करते ठीक है? है तो <laughs> तो बहुत सिंपल है। हर एक एक का अपना एक तरीका होता है क्वेरी सॉल्विंग इस तरीके से होगा बट गाइस आप सबके लिए जो फेस टू फेस यहां पर है आपके क्वेरी सॉल्विंग के लिए गाइस ध्यान से सुनना मेरा व्हाट्सएप नंबर का कोई यूज नहीं रहेगा क्योंकि आप मुझे रोज मिलते हो ऑब्वियसली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो बट मैं आपको बोल रहा हूं व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है आप फेस टू फेस हो क्लास में एक माइक रखा है ये माइक मेरे क्लास में घूमता है मैं आपको माइक पहुंचाता हूं और आपको पूछता हूं आंसर्स या आप पूछ सकते हो खुद के क्वेरीज आर यू गेटिंग माई पॉइंट और दूसरी बात अगर आपको माइक में बोलना नहीं आपको इच्छा नहीं है माइक में क्वेरी पूछने की कोई बात नहीं मेरा लेक्चर इंडो ने दो इधर आ जाना हम क्वेरी सॉल्व कर लेंगे कोई कैलकुलेशन आपको जमा नहीं है आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है मेरी भाषा में मैथ्स के दुश्मन हो तो कोई बात नहीं आपके कैलकुलेटर पर आपके नोटबुक में मेरे साथ यहां पर सॉल्व कर लेना बट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर आस्किन यूर क्वेरी सॉल्विंग आपका क्लास के बाहर भी हो सकता है मेरे ऑफिस में भी आप आ सकते हो मेरे फ्री टाइम में आपका क्वेरी सॉल्विंग जो है फेस टू फेस का बहुत अलग और बहुत अलग कंफर्ट होता है तो वे उसका फायदा उठाओ फेस टू फेस क्वेरी पूछो क्या पता आपका क्वेरी बहुत रेलिवेंट लगी और अगले दिन मैं क्लास में वो डिस्कस करूं ऑब्वियसली आपका नाम लेना नहीं लेना वो अलग बात आप बोलो तो ले लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे बट आपकी वजह से क्वेरीज जो है वो सबके साथ डिस्कस होता है गेटिंग माय पॉइंट तो जो लोग फेस टू फेस है क्वेरीज क्लास में होंगे क्लास के बाहर होंगे मेरे ऑफिस में होंगे आपका कन्वीनियंस ठीक है देन ऐप के डिटेल्स मैंने आपको बता दिए दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड बैच हो आपको ए प्रशांत सरडा ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहीं पर लेक्चर्स होंगे जो लोग फेस टू फेस है आपके सीरियल कीज भी एक्टिवेट नहीं करोगे आप नहीं करना है आपको एक्टिवेट रोज इधर आना है आर यू क्लियर एक्टिवेशन डेट से वैलिडिटी शुरू होती है आपको वैलिडिटी क्यों खराब करनी है आप रोज इधर आते हो जिस दिन नहीं आना है उस दिन आप वैलिडिटी एक्टिवेट कर लेना बैच के ड्यूरेशन में अगर आप ऐप ओपन करोगे सीरियल की डालोगे खत्म आप लेक्चर में जुड़ जाओगे इट्स दैट सिंपल ठीक है कोई हालत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कुछ नहीं है ठीक है विनोद सर के क्लासेस जिस ऐप पे होते थे वही टाइप का ऐप है बस उसका चेहरा अलग है ठीक है नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब मैंने आपको बता दिया फाइव रहेंगे और अगर रिक्वायर्ड रहेंगे तो प्लस 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 हम कितने भी लेंगे ठीक है टेक्निकल टीम के डिटेल्स बहुत सिंपल है ये मेरा एक टीम का टीम का नंबर है इस टेक्निकल टेक्निकल मतलब सपोर्ट मतलब मेरा ही टीम का नंबर है ये टेस्ट सीरीज के लिए अब आप इनको ही कॉन्टेक्ट कर लोगे तो गाइज ये नंबर पर अगर आप कॉन्टेक्ट करोगे तो आपके टेक्निकल क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे प्लीज उनको अभी तुरंत मैसेज करके मत पूछो मेरे बुक कब तक आएंगे टेक्निकल टीम परेशान हो जाएगी अगर आप ऐसे फ्लडेड मैसेज भेजोगे तो सब्र रखो एक हफ्ते में सबके घरों पर मेरे बुक्स आ जाएंगे अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की अप्रोच टुवर्ड्स द बैच गाइस ध्यान से सुनो आपका क्या सपना है मुझे नहीं पता बट मेरा सपना बहुत सिंपल है आप सबके लिए इस एफएम एसएम की बैच के अंदर जो हम 100 मार्क का पेपर कवर करेंगे उस से ऑब्वियसली 80 सर 50 मार्क पढ़ेंगे 50 मैं पढ़ाऊंगा आपका टारगेट क्या है एग्जाम्शन एग्जामेशन चाहिए अच्छा एग्जामेशन 60 पर है ये किसने डाला आपके दिमाग में आईसीएनए पासिंग 40 पर है किसने डाला दिमाग में आईसीएनए एग्रीगेट 50 पर है ये भी आईसीएन डाला ठीक है कल रात एक नोटिफिकेशन आया है एफ एम एस एम का पासिंग 60 पर है कल रात ऐसा सोचो और ये है आपका पासिंग आप लोगों के लिए एग्जामेशन है एटी आर यू क्लियर ये सॉल्व सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगा आप इधर ध्यान देंगे और गाइस बोलिए मुझे कि अगर आपका पासिंग गाइस फोकस व्हाट आई एम सेइंग अगर आपका पासिंग इधर ध्यान दो पासिंग 60 है और एग्जामेशन 80 है तो क्या ये आप डाइजेस्ट कर सकते हो कि सच में ये नोटिफिकेशन कल आया ऐसा सोच सकते हो आप और दिमाग में फिट कर सकते हो खत्म आज से अपनी बैच के लिए यही रूल है अपने बैच के लिए रूल क्या है 60 पर पासिंग है 80 पर एग्जामेशन एक। तो आपकी बार 80 पार जाना है अपने को Clear है क्या अपने को 80 प्लस लाना ही है बट 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 मेरा सपना है कि एफ में जब ऑब्वियसली आपका एफ एम विथ इको था तब स्कोर्स जो थे वो 92 95 तक जा चुके हाईएस्ट, ठीक है ठीक है अभी इको हट गया, गया है और अभी एस आ गया है पचास मार्क मेरे हाथ में पचास मार्क बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन के हाथ में डोंट वरी एट ऑल बहुत अच्छे से आपको ले जाएंगे वो ऐसे में हम लोग चाहते हैं अस्सी तो खैर अपने. अपने फिगर कौन सा फिगर है नो कॉम्प्रोमाइज नो कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या है बहुत सीरियस होना है क्या सीरियस नहीं होना है सिंसियर होना लॉजिक है. है मैं आपको हंसने के लिए बना नहीं कर रहा मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी इसके आगे आप सी नाइनटी प्लस सपना देख रहे हो नाइनटी फाइव देख रहे हो हंसे तो देखना इमीडिएटली हंस रही तो हंसना कोई प्रॉब्लम नहीं हंसते खेलते ही कोर्स पढ़ना है बट ऐसा कुछ सपना देखो कि घर वाले भी हैरान हो जाए कि सच में डीएन टेस्ट कर लेते एक बार क्या स्कोर लेके आए भाई क्या स्कोर लेके आए भाई है ना घर वाले बोलेंगे एक बार डीएनए टेस्ट कर लेते बच्चा अपना ही है क्या <laughs> 95 एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इज पॉसिबल सोचना है बस कि वो करना है लाइक like, मेरे लाइफ में इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट रहा है और इकोनॉमिक्स जब जब जिंदगी में आया है बस उस लेवल पर मैंने टॉप किया है भले वो कोई भी लेवल हो क्लास हो तो इलेवेंथ में टॉप किया है बोर्ड हो तो ट्वेल्थ के बोर्ड में आई वॉज फर्स्ट इन इकोनॉमिक्स एंड इंडिया हो अगर तो इकोनॉमिक्स में इंडिया टॉप और फाउंडेशन में तो बहुत सिंपल है ये आपने कैसे किया जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना है उसी वक्त हो गया था बस उसको सामने दुनिया के तब लाया जब मार्क्स मिले थे आर यू गेटिंग माई पॉइंट माइ माई डियर फ्रेंड्स और जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो ठीक है एवरीबॉडी तो सर आप तो रैंकर कैटेगरी के, के रहेंगे सर आपसे तो हो जाएगा हमसे कैसे होगा कोई रैंकर कैटेगरी नहीं है कोई रैंकर कैटेगरी नहीं सातवीं तक सेवेंथ तक मेरा स्कोर कभी सिक्सटी परसेंट के ऊपर नहीं गया एट नाइन्थ सेवेंटी टू परसेंट एट्टी सिक्स परसेंट फिर फुल कॉन्फिडेंस था टेंथ में और सब लोग बोलने लगे रैंक आ जाएगा धीरे धीरे इतनी बार सुना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और टेंथ में आया सेवेंटी परसेंट वापस साइंस का सपना था अच्छा हुआ नहीं लिया तो साइंस का सपना था सेवेंटी परसेंट पर साइंस कॉलेज के गेट पर भी नहीं खड़ा करते एडमिशन तो दूर की बात है तो कोई एडमिशन मिला नहीं कॉमर्स में एडमिशन लिया और कॉमर्स का सबसे सुपीरियर कोर्स सीए कंप्लीट किया जब सीए फाउंडेशन में भी आया इलेवेंथ ट्वेल्थ मैथ्स नहीं था पहले दिन से सुना था मैथ्स बहुत टफ है टफ है टफ है जैसे आप लोग सुन रहे हो इंटर बहुत टफ है भाई अभी तो ग्रुप वन हुआ है ग्रुप टू ये वो आपको बता देता हूं ग्रुप वन से छोटा है ग्रुप टू कॉमन सेंस है भाई जिसको तुमने साढ़े तीन महीने पढ़ा है अब तुम दो महीने में और पढ़ रहे हो तो छोटा ही रहेगा डरने की जरूरत नहीं है समझे कर लो आप पहले दोनों बात कर लो फिर मैं आगे का बात करता हूं आपको प्रॉब्लम है क्या मैडम क्यों परेशान हो रहे हो ध्यान दो ना फिर ठीक है ध्यान दो <coughs> कौन सी बुक ओपन करके रखी हो वहां पर सामने पढ़ा तो नहीं रहा हूं मैं कुछ ठीक है <coughs> पीछे बार <coughs> तो सुनिए अभी <coughs> जब हमने मतलब मैंने इलेवेंथ ट्वेल्थ में इलेवेंथ ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ा ही नहीं था तो मैथ्स से बहुत डर लगता था फाउंडेशन में आपको पता है मैथ्स कितना खतरनाक होता है और उस वक्त विनोद सर नहीं थे मेरी जिंदगी में मैथ्स पढ़ाने के लिए तो मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत डर के कारण हर बार इग्नोर होता था अकाउंट्स दी फेवरेट इकोनॉमिक्स दी बेस्ट सब में अच्छे स्कोर्स आ गए पहली बार एग्जाम दिया सीए फाउंडेशन ऑल इंडिया लेवल का और सीनियर्स से भी पूछता था कैसे पढ़ना है सब लोग बोलते थे मैथ्स पढ़ मैथ्स में फेल हो जाएगा कैसे पढ़ना है ये तो बोलते नहीं थे बोलते थे मैथ्स पढ़ मैथ्स में फेल हो जाएगा तो हर वक्त सुनते ही ये लगता था मैथ्स और फेल मैथ्स और फेल और देखते देखते एग्जाम नजदीक आई फाउंडेशन की एग्जाम दे दी रिजल्ट था अकाउंट्स में आउट ऑफ हंड्रेड डिस्क्रिप्टिव थे चारों पेपर राइटिंग में थे एक भी एमसीक्यू नहीं था सीए फाउंडेशन इट वाज़ दैट टाइम चारों पेपर राइटिंग में थे फाउंडेशन अकाउंट्स आउट ऑफ हंड्रेड नाइनटी सिक्स मार्क्स सेम एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स आउट ऑफ हंड्रेड थर्टी फोर मार्क्स सोच रहे हैं आप क्या बोल रहे मैं समझ रहे हैं आपको भाई साहब ये लेवल का फ्रस्ट्रेशन लाइफ में पहली बार फेल हो गया सिक्सटी के नीचे जब बचपन में स्कोर आता था ना पेरेंट्स एक ही बोलते थे फेल मत ना फाउंडेशन में जाके हो ही गया बट जिस वक्त फेल रिजल्ट आया था पहली बार हाथ में पंद्रह मिनट के लिए तो मैंने बोल दिया था मुझे सीएच करना ही नहीं है बस पेरेंट्स को जाके कम्युनिकेट किया कि सीए नहीं करना है पेरेंट्स ने बोला छोड़ दे तो इतने जल्दी अगर पेरेंट्स मान जाए तो अपन नहीं मानते फिर अगर पेरेंट्स बोलते नहीं नहीं बेटा कर मैं बोलूंगा नहीं नहीं छोड़ना है पेरेंट्स बोले छोड़ दे अभी छोड़ दे बोले तो नहीं नहीं करेगा फिर अभी इस वक्त फिर क्या हुआ अब डिसाइड कर लिया था कि अब अगला रिजल्ट ऐसा लाना है कि कम से कम अपन बता पाए किस बाउंड बाउंस बैक किए और उसी वक्त जिस वक्त फेल हुआ था ना अगले दिन सुबह पढ़ाई करते वक्त डिसाइड किया था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाना है बस फिर मेहनत करते 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 एग्जाम दी और एग्जाम के बाद वो रिजल्ट प्रिंट होकर आ गया ऑल इंडिया इलेवंथ रैंक तो रैंक कब आया था जिस वक्त फेल होकर अगले दिन पढ़ाई की थी उसी दिन रैंक आ गया था बट उस दिन से एवरी डे यही सोचता था एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट लाना है रिजल्ट प्रिंट होकर दुनिया के सामने आना अगले अलग बात होती है हमारा डिटर्मिनेशन जिस वक्त इधर हो जाता है ना उस वक्त गेम हम जीत जाते सो इट्स अ मेंटल गेम गाइज सी इज़ ऑल अबाउट मेंटेलिटी सो इंटरमीडिएट के बारे में आपने बहुत सुना ग्रुप वन का सिलेबस देखा आई एम श्योर अभी तक तो कॉन्फिडेंस की आधे लोगों की धजिया उड़ गई रहेगी बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त क्योंकि अब आपके सामने जीएसटी सौ मार्क एफ का सौ मार्क और ऑडिट का सौ मार्क तीन सौ मार्क का गेम अभी तक बाकी है हाँ पचास कोई बात नहीं टू फिफ्टी का गेम बाकी है टू फिफ्टी आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड कम है क्या तो फिर गाइज अभी से भी अगर सिंसियर हो जाओगे ना तो भी आप जंग जीत जाओगे सर बैकलॉग बहुत है ग्रुप वन की गलतियां बहुत है मैं अलग अलग लोगों की कैटेगरी बोल रहा हूं कुछ लोग इसमें बहुत सुपीरियर रहेंगे बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है सर है ना बट जनरल पब्लिक लाइक मी कुछ बैकलॉग्स होंगे कुछ होम एक्सरसाइज मिस हुए रहेंगे गलती से क्लास बंक हुए रहेंगे वो गाइस आपके ग्रुप वन में सिंसियरिटी कभी कभी आपको बाद में समझी रहेगी कि क्लास के बीच टाइम पास नहीं किया होता तो अच्छा रहता सब गलतियों का करेक्टिंग टाइम आज है और इससे आगे और अगर आपने ऐसा कोई गलती नहीं किया ग्रुप वन में तो अगर ग्रुप टू में तो करना ही नहीं चाहिए आपने अदरवाइज आपकी मेहनत पूरी पानी में मिल जाएगी सो so, बोलने का मीनिंग तात्पर्य एक ही है कि आप सबको इसके आगे एवरी डे क्लास आना है एवरी डे होम एक्सरसाइज करना है एफएम का होम एक्सरसाइज रहेगा कब से रहेगा सर फर्स्ट डे से रहेगा आज से रहेगा आपको एंड आई एम सेइंग आज से रहेगा मतलब पक्का रहेगा ठीक है करोगे ना सब लोग एंड इसके साथ साथ आपको एवरी डे जो मैं बोलता हूं उसको फॉलो करना है और अगर आपने इसको फॉलो करने के वक्त आपका खुद का दिमाग लगाया जो कि भगवान ने लिमिटेड एडिशन में दिया है मत लगाना ज्यादा बट अगर आपने लगाया तो आप ही उसके रिजल्ट्स अलग पाओगे जो बातें मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको करनी है जैसे कि होमवर्क करना है अटेंडेंस रहना है फिजिकली मेंटली दोनों रहना है कुछ लोग यहां पहुंच तो जाते हैं बट पहुंच नहीं पाते समझे कुछ <coughs> तो बॉस आप यहां तक पहुंचने का एफर्ट लियो कितने लोग आप यहां पर आउट ऑफ स्टेशन से जरा हाथ ऊपर करो माय गॉड एट दिस ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ पुणे एटी एटी फाइव परसेंट आप सब एक बात समझ लीजिए आपको यहां पर भेजने के पीछे फाइनेंशियल कॉस्ट से ज्यादा इमोशनल कॉस्ट भी है और वो दोनों साइड से ऑब्वियस आपके साइड से भी और पेरेंट्स के साइड से भी फाइनेंशियल कॉस्ट भी है और इमोशनल कॉस्ट भी है तो गाइज इतना कॉस्ट इनकर कर रहे हो तो वसूल करो यार इंडियन से अपन लोग पैसा वसूल करना जानते हैं अपन और पैसा वसूल कैसे होगा आपके रिजल्ट से कौन सा रिजल्ट चाहिए अपने को पास आ गए चालीस पर चालीस और पचास पर आ गए एग्जामेशन विथ रैंक ये सपने देखो और जिस वक्त इधर डिसाइड कर लिया उस वक्त चीजें होती है ठीक है तो अप्रोच टुवर्ड्स बै, बैच बहुत सिंपल है गाइस पहला अप्रोच आपका ध्यान से सुनो स्कोर लाना है स्कोर लाना है पास होने के एक्सपेक्टेशन से आए तो आप शायद बहुत छोटी उम्मीद से बहुत बड़ी जगह आ गए मेरे पास पास के साथ एक्सपेक्टेशन रख के मत आओ यार स्कोर करेंगे कुछ बेहतर करेंगे पास सोचोगे तो थर्टी फाइव पे रुकोगे इसी क्लास में से लोग रैंक लाते और इसी क्लास में से लोग फेल होते ऐसा क्यों होता है क्या बोल रहे हो हार्ड वर्क कॉन्फिडेंस इंटेलिजेंस मेंटेलिटी सिंसियरिटी टाइम मैनेजमेंट अप्रोच कंसिस्टेंसी बस यही शब्द यही ढासू ढासू शब्द आपको मेंटेन करने हैं ध्यान से सुनो मेरी मेरा एक सेंटेंस सुनना अभी हंस ले भाई एक बार आगे मैं बोलता हूं ठीक है वहां पर फर्स्ट बेंच पे जो बैठे हैं वहां से लेकर ये लास्ट बेंच में जो बैठे हैं ग्रीन टी शर्ट तक ठीक है क्या लगता है आपको सब लोग अभी जो एग्जाम देंगे उसमें सब लोग पास हो जाएंगे हाँ अगर ऐसा रहता ना बेटा तो यहाँ मतलब प्रेस्टीज पॉइंट पे नीचे लाइन लगी रहती थी, थी क्लास लगाने के लिए पूरे मतलब पुणे के या इंडिया भर के सभी स्टूडेंट्स इधर आ जाते हैं और बोलते भाई हमको एडमिशन इधर ही दो क्या लगता है आपको सब लोग पास होने वाले मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूं यूट्यूब पे जितने भी लोग है हजार डेढ़ हजार जो भी है सब लोग यहां पर जो है क्या ये सब लोग पास होने वाले क्या लगता है आपको मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं ये सब लोग पास नहीं हो सकते ये सब लोग पास नहीं हो सकते तो पास कौन होगा तुम होगा ध्यान से सुनो पास वो होगा जो स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक दौड़ेगा स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन मतलब क्या सर आज फर्स्ट दिसंबर आज स्टार्ट लाइन है फिनिश लाइन अपना थर्टी फर्स्ट जनवरी नहीं है आपके एग्जाम का लास्ट पेपर मतलब एफ एम एस एम सिक्स पेपर तक मान लीजिए वो तारीख एग्जाम्पल के तौर पे पंद्रह में बोल रहे अपन एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल तो वहां तक आपको फिनिश नहीं वहां तक जो दौड़ा वो पास है अच्छे मार्क्स उसके बीच क्या होता है मानू में उसके बीच ये कॉन्फिडेंस हिलता है कोई फ्रेंडशिप होती है कोई कोई भटकते चीजें और जो भी सोचा था वो फर्स्ट डे धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल अपना ये है अपने क्लास में मोबाइल्स अलाउड नहीं रहेंगे मोबाइल्स अलाउड नहीं रहेंगे जितना मैंने बोला था आपको यूट्यूब चैनल लेके सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लो उतना ही अलाउड था इसके आगे मोबाइल किसी के हाथ में अगर दिखा मुझे क्लास के ड्यूरेशन में जो इधर से भी दिख सकता है पूरा कि भाई सामने वाला बंदा जो है उसके हाथ में कैलसी है ठीक है वैसे ही यहां पर जितने लोग अगर किसी दिन आपके हाथ में मोबाइल दिखा ज्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं है एक वीक तक वो मोबाइल मेरे पास रहेगा फिर वैसे ही आपको सेफली वो मोबाइल दे दिया जाएगा और वापस अगर आपने यूज किया तो अगला दो वीक मेरे पास रहेगा थर्ड टाइम अगर आपने यूज किया तो फिर नहीं मिलता फिर हमारे ऑफिस में बहुत से मोबाइल्स की जरूरत गिरती है हम रख लेते फिर, ऐसे ही रख लो तो सच में बोल रहा हूँ आपको मोबाइल्स से ध्यान हटाओ तब पढ़े में लगोगे मैं हर वक्त एक बात बोलता था उस सेंटेंस के साथ हम लोग बैच का अप्रोच बोलेंगे हमारे वक्त ना कोर्स बहुत टफ था रीजन बहुत सिंपल थे रिसोर्सेस नहीं थे इतने नोट्स नहीं थे इतने सारे फ्रेंडली टीचर्स नहीं थे इतने अबेंडेंट यूट्यूब पे जो आपको रिसोर्सेस मिल रहे हैं, वो कुछ नहीं था यूट्यूब था इंटरनेट मोबाइल्स में चलता नहीं था रिसोर्सेस बहुत कम कोर्स एकदम टफ हर बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं आते थे नोट्स का एक क्वेश्चन आ जाए तो हम खुश हो जाते थे कि ये दस मार्क बीस मार्क का क्वेश्चन आया बिलीव मी और पासिंग रिजल्ट लेस देन फाइव परसेंट हुआ करते थे इट सेल्फ शोज यू की कोर्स बहुत टफ था आपका एग्जैक्ट रिवर्स है गाइस। आपके वक्त कोर्स बहुत आसान है मगर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है <coughs> कोर्स टफ नहीं है डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है फोमो होता है आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं ये नहीं करता सोशल मीडिया पे मेरा प्रोफाइल नहीं है ये नहीं है अरे भाई इस जमाने में इज्जत उसकी है जिसके पास मोबाइल नहीं है क्या बात करो आपके पास मोबाइल नहीं मतलब आजकल कोई बोलता है आई डोंट यूज मोबाइल आई डोंट हैव माय पर्सनल नंबर तो लोगों को लगता है क्या बड़ा आदमी रहेगा भाई इसके सेक्रेटरी वगैरह रहेंगे मोबाइल वोबाइल खुद नहीं यूज करता है पहले के जमाने में किसी के पास मोबाइल नहीं तेरे पास मोबाइल नहीं है अब जमाना टोटली चेंज है जिसके पास मोबाइल नहीं है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा सुखी है फोकस्ड है इसलिए बोल रहा हूं मोबाइल यूज करना अलाउड ही नहीं रहेगा क्लास में और क्लास के बाद में भी तुरंत मोबाइल निकाल के मत देखिए बिलीव मी प्रधानमंत्री मोदी जी भी इतनी बार ऐसा अपडेट नहीं देखते जितनी बार आप देखते हो अपने बगैर दुनिया चल रही है देश चल रही है बिलीव मी काला कुत्ता नहीं पूछता बार अपने को। कोई नहीं पूछता अपने को हाँ सुना होगा ये आपने हाँ फिर फिर क्यों हम लोग बार बार ऐसा मोबाइल पे अपडेट देखते रिफ्रेश करते और बाद में आपने को दिखता कि ग्रुप में कोई तो मैसेज है और उसमें भी अपने को क्लास के अंदर वो ग्रुप का मैसेज पढ़ना है ग्रुप में एक फॉरवर्डेड मैसेज आया है उसको भी अपने को क्लास के अंदर ही पढ़ना है क्यों क्योंकि वहां पे दिख रहा है वो मैसेज आया है और अपने हार्मोनल चेंजेस चालू हो गए है ना अपने को देखना है अभी देखना है वो मैसेज क्या है वॉट विल है वो मैसेज नहीं देखोगे क्या होगा कुछ नहीं होता बट अगर नहीं देखोगे तो क्लास में पूरा फोकस रहेगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्लास करोगे और अमेजिंग तरीके से क्लास होगा चलिए विद दिस ऑल थिंग नाउ लेट्स स्टार्ट ठीक है शेल वी स्टार्ट आप लोगों ने नोटबुक बनाया रहेगा एक एफएम का काम में आएगा वो डोंट वरी ऐसा नहीं है नोटबुक नहीं लगेगा नोटबुक लगेगा बट वो आपके एक्स्ट्रा राइटिंग मटेरियल रहेगा ठीक है कितने पेजेस का नोटबुक चाहिए देखिए ये बुक है इसमें पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग की जगह है सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जिसके लिए आपको जगह नहीं दिया बिकॉज उसमें हर क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग बनता है किसी का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बन सकता है किसी का छोटा इसलिए उसको जगह नहीं दिया है तो अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि आप अगर हंड्रेड पेजेस के अंदर सोच लोगे तो भी बहुत हो गए ठीक है आपको एक फॉर्मूला बुक बनानी है जो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी छोटी सी नोटबुक होती है ट्वेंटी रुपीज में मिलती है थर्टी रुपीज में मिलती है वो छोटी सी बुक वो बुक खरीदना और वही साइज की चाहिए मुझे एकदम छोटा सा बुक चाहिए जिसको आप कहीं पर भी कैरी करो तो आपको ऐसा ना लगे कि आप बहुत बोझा उठा रहे हो एवरी डे क्लास में आपको सिर्फ ये बुक लानी है मेन बुक ये बुक का डिस्पैचिंग वगैरह मतलब आप भी अपने नोट्स अवेलेबल है ऑफिस में भी सब जगह अवेलेबल है वी स्मार्ट के ऑफिस में भी अवेलेबल है एक्सपर्ट के ऑफिस में भी अवेलेबल है जहां कहीं से भी आपने एडमिशन किया है वहां से आपको बुक कलेक्ट करना है और यही सिर्फ बुक आपको रोज इधर लाना है क्वेश्चन नहीं लाना है ना ही चार्ट बुक लाना है जब जब क्वेश्चन लाना होगा मैं आपको बोलूंगा पहले ही कि लाना है कल क्वेश्चन क्लियर है गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बिफोर वी स्टार्ट लेट मी प्रॉमिस यू गाइस दिस सब्जेक्ट ऑफ योर्स विल बी द वन जिसको आप प्यार करोगे लाइक like नहीं बोल रहा मैं आपको यू लव दिस सब्जेक्ट दो रीजन है इसके रीजन नंबर वन मैं पढ़ा रहा हूं आई एम श्योर यू यू आर गोइंग टू लव दिस सब्जेक्ट एंड रीजन नंबर टू कि भाई फाइनेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पैसा है तो ऑब्वियसली सबको प्यार तो होने ही वाला है ठीक है तो चलिए <coughs> लेट्स बिगिन तो हमारा पूरा जो बैच होगा <coughs> कितने नोटबुक्स बनानी है एक ऋषभ एक नोटबुक बनानी है ऋषभ आपको बस <coughs> बोलिए हाँ परफेक्ट चलिए <coughs> बेटा वो माइक ऑन है क्या देख लो ना एक बार ये माइक है के मुझे पास कर दो <coughs> तो हमारा क्लास जो है ये टोटल इंटरैक्टिव क्लास रहेगा ये माइक जो है ये क्लास में स्टूडेंट्स के पास जाएगा आंसरिंग वगैरह के लिए और आप लोगों को आंसर करना है आप हाथ ऊपर कर, कर या तो आप आंसर करो या तो मैं माइक भेजकर आपके पास डायरेक्टली आंसर करवाऊंगा तो दो में से एक ही होने वाला है तीसरा कुछ नहीं होगा नो चॉइस no नहीं सर मुझे नहीं आता सर मैंने यहां पर कोई सजा नहीं रखी है गलत आंसर के लिए एंड यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स बिलीव मी फ्रेंड्स सब में सबसे ज्यादा होशियार सिर्फ अकेला मैं बाकी सब लोग ढ समझता ढ तो कोई भी अपने क्लास में किसी के भी आंसर पर हंसेगा नहीं भले वो आंसर आपके मुताबिक वर्ल्ड का सुपरडेस्ट आंसर हो कोई हंसेगा नहीं हर वक्त एनकरेजिंग एटीट्यूड रखेंगे हम लोग कि हम लोग यहां पर क्लास में लाइवली एनवायरमेंट रख रहे अगली बार भी उसको आंसरिंग के वक्त कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आर यू क्लियर और अगर कोई हंसा गलती से भी किसी के आंसर पर एंश्योर की बचावा लेक्चर पूरी क्लास उस पर हंसेगी ठीक है चलिए तो जब हमारे दिमाग में या हमारे ऐसे <coughs> सिलेबस में ये वर्ड आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सबसे पहले आपको दिमाग में एक पोस्ट नजर आती होगी एक पोस्ट दिमाग में कंपनी की आती होगी वो है सी एफ ओ आजकल ये वर्ड बहुत ही फेमस हो चुका है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर करेक्ट एक फाइनेंस मैनेजर बराबर है कि नहीं चलिए तो प्रैक्टिकल थ्योरी कितना परसेंटेज होता है सर डोंट वरी एट ऑल बेटा क्लास सिलेबस पढ़ते रहेंगे ऑटोमेटिकली सब समझते जाएगा बट जस्ट बिकॉज तुमने पूछा इसलिए मैं बता देता हूं कि पिछले बार दस मार्क का वेटेज रखा था थ्योरी को बाकी पचास मार्क का प्रैक्टिकल था एफ में टोटल साठ मार्क थे तब तो लगभग लगभग अभी भी ऐसे ही रहेगा सोच के चलते कि पचास में से दस मार्क थ्योरी चालीस मार्क प्रैक्टिकल रहेगा थ्योरी के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना सिलेबस में पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाता है सब कुछ मैं आपको प्रॉमिस देता हूं आपको पूरे सिलेबस के फॉर्मुलेज याद हो जाएंगे कॉन्सेप्टचली और सिर्फ बैच के एंड तक नहीं याद रहेंगे जिंदगी भर याद रहेंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स यहां पर डिस्कस करके उसे डिराइव करते हैं और जो आंसर्स हम लोग निकालेंगे क्लास में हम उसका मीनिंग उसका इंटरप्रिटेशन सब कुछ देखते हैं तो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी कि ये आया तो सही बट ये क्या है ये निकाल लिया हमने ये आंसर आ गया है, बट ये क्या है इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ ऐसा आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक <coughs> for है फॉर्मूला एंड वन हंड्रेड पेजेस बुक एब्सोल्युटली करेक्ट है विनायक चलिए तो अब <coughs> हम लोग जनरली लेक्चर का जो अगला स्टार्ट मतलब फॉर एग्जांपल कल अब लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो आज का रिवीजन कर, कर हम आगे बढ़ते और रिवीजन के वक्त मुझसे ज्यादा आवाज क्लास में आती है स्टूडेंट्स की आई होप ये परंपरा कायम रहेगी आपके बैच में भी वेरी गुड वेरी गुड हम जब भी मजाक करेंगे ह्यूमर के तौर पे करेंगे आप एक्सपेक्ट मत करना कि क्लास में आप कहीं पर भी आधा आधा घंटा पंद्रह मिनट बीस मिनट आप टाइम पास कर रहे हो और ऐसा कुछ चलेगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्लास के ड्यूरेशन में एक भी सॉन्ग नहीं होगा भाई जो लोग यहाँ पर है सबको मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ सोच समझ के क्लास लगाओ क्लास के बीच में गाने वाने नहीं होते बट यस अगर कोई ऑकेजन है जो बहुत ही सबके लिए स्पेशल रहेगा तो एक गाना हो जाएगा वो पूरे बैच का एक पहला और आखिरी हो सकता है ठीक है ठीक है क्रिसमस के वक्त है फिर आप न्यू ईयर भी बोलोगे <laughs> तो यही और तो और यहाँ पर जो भी बीच बीच में हंसी या मजाक लाइट मूड में जो बोल रहा था वो ह्यूमर के तौर पे रहेगा हम एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वापस से हम लोग वापस टॉपिक पे आएंगे ठीक है चलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस मैनेजर जब मैं बोलता हूं तो चलिए एक काम करते खुद को इमेजिन कीजिए एक कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है ब्रेन में में अपने दिमाग में इतनी इज्जत है क्या अपनी गुड <laughs> तो आपको एक रिलायंस uh, की सब्सिडरी कंपनी है जो अभी अभी फॉर्म हुई है <coughs> जिसका अभी तक सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन आया है बिजनेस कमिशमेंट सर्टिफिकेट आ गया है बट आगे का पार्ट पूरा बाकी अभी ये नई कंपनी है जिसके आप सी एफ ओ हो तो आपको क्या लगता है आपका क्या रोल या आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उस कंपनी में <coughs> पीछे पास करो यस yes. कंपनी के लिए फाइनेंस अरेंज करना तो कैन वी से कि भाई हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले एज अ फाइनेंस मैनेजर अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कर रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स प्लीज डोंट राइट प्लीज डोंट राइट पार्टिसिपेट एन आंसर प्लीज डोंट राइट ठीक है आई एल गिव यू टाइम टू राइट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मतलब कंपनी के लिए फाइनेंस अरेंज करना ठीक है कहां से अरेंज होगा फाइनेंस बैंक लोन इन्वेस्टर्स कौन होते शेयर होल्डर्स आईपीओ निकालोगे आप मतलब इश्यू ऑफ शेयर करोगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बैंक लोन वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग करोगे प्रोमोटर्स इन्वेस्ट करेंगे होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करेगी बोरोड कैपिटल रेस करेंगे लोन हो, हो गया थोड़ा कंपनी की बैलेंस शीट इमेजिन करने की कोशिश कीजिए बैलेंस शीट लैबिलिटी साइड इमेजिन कीजिए कुछ नजर आ रहा है आपको क्या नजर आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और क्या मिलता है उधर डिंचर्स बॉन्ड्स तो भाई ये सब क्या बन गया हमारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस टाइप्स ऑफ फाइनेंस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर के हैसियत से आप कंपनी के लिए फंड का अरेंजमेंट करोगे जिसको हमने क्या नाम दिया टेक्निकली क्या बोला यस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स जो होगा वो एक सोर्स से होना कंपलसरी है क्या फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कंपनी ने रेस किया फंड इक्विटी शेयर कैपिटल से तो क्या तुम्हारी कंपनी डिबेंचर भी इश्यू कर सकती है कर सकती है पक्का यस yes. फंड रेजिंग के लिए कोई रूल नहीं है कि पूरा पैसा एक ही सोर्स से आना चाहिए ऑब्वियसली आपने इतने सारे बैलेंस शीट बनाए हैं इलेवें से आप बैलेंस शीट बना रहे हो भले ही प्रोपराइटरशिप की क्यों ना हो आगे धीरे धीरे पार्टनरशिप फिर कंपनी फाउंडेशन में आया और अभी इंटर लेवल पर आप देख रहे हो इतने सारे बैलेंस शीट एवरी डे अकाउंटिंग में देखा आपने इतने सारे बैलेंस शीट्स ये बैलेंस शीट्स में आपने देखा डिबेंचर भी लिखा है शेयर कैपिटल भी लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखा है तो भाई ये सब होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस करंट लाइब्रेटी क्या होता है मैडम शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है बराबर ना करंट लाइब्रिटी क्या होगा शॉर्ट टर्म होगा और ये जो मैं अभी अभी इतने सारे नाम लिया हूं ये सब क्या है लॉन्ग टर्म तो प्रोक्योरमेंट कितने टाइप के हैं दो करेक्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म तो इन सब के लिए हमें देखना पड़ता है सबसे पहले कि हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बोले आपने डिबेंचर्स बॉन्ड्स प्रेफरेंशियर्स प्रेफरेंस शेयर्स के बाद इक्विटी शेयर्स डिपॉजिट्स एक्सेट्रा 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 बहुत सारे सोर्सेस है बराबर ये सब हमारे लिए बन गए सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जिसको हमने नाम क्या दिया टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग ठीक है माइक पास करो दो बेंच पीछे तो ये टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग मैडम आपने अपनी कंपनी में इवेलुएट किया आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो ठीक है ठीक है तो व्हाट डू यू फील कि आपके ये जो टाइप्स देखे आपने इसका आप बोल रहे हो कि एक सोर्स कंपलसरी नहीं हम और दूसरे सोर्स भी ले सकते हैं तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन क्यों बनाने होते सिंपल रखो ना एक सोर्स से पैसा ला लो सपोज आपकी कंपनी को हंड्रेड करोड़ की जरूरत है एक ही सोर्स से हंड्रेड करोड़ ला लोगे तो सिंपल हो जाएगा ना एक मिनट एक मिनट एक मिनट रिस्क ओके okay. क्या सिर्फ रिस्क ही कंसिडर होगा और क्या कंसिडर होगा जब आप फाइनेंसिंग रेस करोगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कितने इजीली वो फंड्स अवेलेबल रहेंगे उस फंड्स में रिस्क कितना है और रिटर्न कैसे अभी तो रिटर्न वो तो देखो पैसा कहीं से भी लाओ रिटर्न अलग हो गया ना पीछे पास करो यस ओके तो सामने वाला लेंडर जो है वो पूरा पैसा अकेला देगा कैसे ठीक है तो वो तो अवेलेबिलिटी उन्होंने बोला, बोला एक रिस्क बोला एक अवेलेबिलिटी बोला तू कंपनी का सीएफओ है तू उनके छोड़ तू तेरा सोच तेरे से, तेरे से को करोड़ चाहिए तो तू दो तीन सोर्स या चार सोर्स का कॉम्बिनेशन क्यों लाना चाहता है या दो सोर्स क्यों ना हो कॉम्बिनेशन क्यों बना रहे हम उधर पास करो लेकिन तो एक के पास क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना कंपनी है लेकिन अपन ने शर्त रखा <coughs> ऐसा इशू किया तो फिर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा इसलिए अपन तो लोन भी ले सकते हैं जिससे कि मैनेजमेंट पे बड़ी का इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन पैसा तो अपने पास यूज करने के लिए आ रहा है ओके उधर पास करो <coughs> नहीं इधर आके इधर करता है आपको ओनरशिप डाइल्यूट करने के नहीं करते वेरी गुड वेरी गुड एक वर्ड यूज किया भाई क्या वर्ड यूज किया है डायल्यूजन बहुत ढासु वर्ड है थोड़ा सा हम समझाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डायल्यूजन मतलब क्या होता है ओनरशिप स्प्रेड हो रही है

और मार्केट में ये साइड के लोग जो है ये मान लीजिए चार सौ लोग है, इनको हमने इक्विटी शेयर्स बांटे तो हमारे शेयर्स की ओनरशिप सिर्फ हमारे पास सौ लोगों में थी हर एजीएम में यही सौ लोग आते थे वोटिंग के लिए अब जब इनको भी शेयर्स दिए जाएंगे तो ये लोग भी आएंगे मैनेजमेंट की ओनरशिप के साथ मतलब इनको भी देने पड़ेंगे हमको क्या वोटिंग राइट्स कंट्रोल मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट क्या होगा डायल्यूट डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं तो इतना सारा फंड सौ करोड़ का इतने लोगों में शेयर बांट देंगे तो सच में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगा आज आप इतने सारे को जानते हो जो है। क्या यह ट्रू सेंस में पब्लिक चला रहा है क्या ऐसे अगर पब्लिक चला था ना एजीएम टू एजीएम आखिर लोग पब्लिक डिसाइड करता क्या होना चाहिए कंपनी के लिए तो फिर कंपनी बंद हो जाती थी कब की यहां पर हर कंपनी के पीछे एक बड़ा पर्सन है ग्रुप ऑफ पीपल है जो उस कंपनी को क्या कर रहे हैं मैनेज कर रहे जब हम बोलते हैं रिलायंस किसका है अंबानी क्यों भाई मेरे पास भी शेयर है रिलायंस के दस शेयर दस शेयर मतलब मैं भी ओनर है तो अंबानी और मैं पार्टनर टेक्निकली यस बट रियलिस्टिकली नो तो क्या अंबानी और मैं साथ में बैठ के डिसाइड करते रिलायंस के लिए क्या करना चाहिए दस शेयर सवाल ही नहीं आता दस हजार भी रहेंगे तो भी सवाल ही नहीं आता तो क्योंकि उसके पास क्या है कंपनी का मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग है तो कंपनी के पूरे फैसले कौन करेगा अंबानी खुद करेगा और ऑब्वियसली उसके पास मेजोरिटी स्टेक रहने की वजह से क्या होगा उन्हीं का चलेगा और कंपनी राइट डायरेक्शन में चलेगी जेपिंग क्या समझ रहा है क्या जेपिंग मतलब समझ रहा है क्या ओके okay. ना एक था डायल्यूजन ऑफ कंट्रोल एक था आपका रिस्क रिस्क मतलब क्या रिस्क मतलब क्या माइक कहां पर है इधर उधर हाँ बोलो आप बोलो कॉस्ट अलग है रिस्क अलग है वेरी गुड वेरी गुड जैसे रिस्क के हद तक दो तरीके के रिस्क होते गाइस आपने एक बोला अभी रीपेमेंट का रिस्क बोला आपने और एक रिस्क होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता तो हूं वो क्या बोल रही है पहले तो कि अगर पैसा किसी सोर्स से लेंगे तो उन्हें लौटाना भी तो पड़ेगा यू नीड टू रीपे द फंड्स सो फंडियसली दैट कमिटमेंट टू रीपे द फंड इज अ रिस्क कि भाई जब रीपेमेंट पांच साल बाद है तब मेरे पास पैसा भी तो होना चाहिए ना रीपे करने के लिए समझा रिस्क नंबर वन इज रीपेमेंट का रिस्क अनदर रिस्क इज ऑल्सो देर मतलब हाँ वो तो ठीक है पैसा नहीं दे दो दोगे तो एसिड बिक जाएगा बट अल्टीमेटली पैसा देने की बात कर रहे हो आप रीपेमेंट की यस। पीरियडिक रीपे पीरियडिक पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ध्यान से सुनो सब लोग कुछ बातें आपको क्लिक होगी कुछ नहीं होगी नथिंग टू वरी मगर डिस्कशन के बाद सब कुछ इधर जाना चाहिए और लिख लेंगे हम लोग ये सब चीजें ठीक है डोंट वरी एट ऑल ये फर्स्ट डे आप लोग बहुत नए वर्ड सीखोगे फाइनेंस में अपने दिमाग को टाइम दो उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए फर्स्ट डे ये मत सोचो कि ये सब याद नहीं रह रहा है याद कैसे रहेगा पहली बार सुने हो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग नॉर्मल पहले तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने हर सब्जेक्ट में सुना रहेगा कि आप ही एफ में पढ़ोगे आप ही एफ में पढ़ोगे आप एफ एम ए पढ़ोगे तो भाई एफ में क्या क्या पढ़ेंगे इस सबका कनेक्शन रहेगा टैक्सेशन से लेके सब चीजों का कनेक्शन आप यहां पर देखते हो अकाउंटिंग हो कॉस्टिंग हो टैक्स हो सब कुछ एफ में आता है और बिलीव मी मेरे एक भी स्टूडेंट को मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये पहले से आता है अगर आपको कॉस्टिंग का कुछ पार्ट या टैक्स का कुछ पार्ट एफ के रिलेटेड आ गया मैं पहले कॉस्टिंग में जाकर वो समझाता हूँ फिर यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ बैठे किसी के भी ये एक्सपेक्टेशन है ही नहीं मेरे कि आपको कॉस्टिंग का ये पार्ट आता है मुझे भी मानूम में आपको भी मानूम में कितना आता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही नहीं कि आपको पूरा आता है मैं फिर से समझाऊंगा अगर आपको आता है वेरी गुड क्रॉस चेक हो जाएगा आपको नहीं आता तो आप सीख जाओगे ठीक है क्लियर है तो ये जो पॉइंट बोल रहे हैं दो तरीके के रिस्क होते गए इस पहला फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पैसा लिया आपसे नहीं आप तो इक्विटी शोर्ड इन से इनसे लिया ये जो 300, 400 लोग हैं इनसे पैसा लिया हमने कौन सा वाला बोरोड फंड्स कौन सा लिया बोलो Borrowed funds. आप क्या बन गए हमारे लिए बॉर है क्या वो मैंने बोरो किया है ठीक है डेट वो अपने लिए ओके okay. अपन कौन है ओनर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स है ये कौन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है आप अपने को बहुत अच्छे से समझेगा मुझे बताओ रिस्क की हद तक सबसे ज्यादा रिस्क किसका है डेट वालों का है डेट वालों का रिस्क सबसे ज्यादा है गाइज कैसे डेट वालों का रिस्क सबसे ज्यादा है बिकॉज रीपेमेंट करना है फिक्स्ड कमिटमेंट है अच्छा डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर फाइव इयर्स था पांच साल बाद मैं बोल रहा हूं पैसा नहीं है मैडम बोलेंगी चार्ज अगेंस्ट एसेट एसेट बेच है, है कि नहीं तो डेट होल्डर्स क्या करेंगे मेरा एसेट बेचेंगे मगर पैसा लेके रहेंगे अच्छा एक साल बाद इनको कमिटमेंट था नौ परसेंट रिटर्न देने का दैट इज इंटरेस्ट मैं बोलूंगा प्रॉफिट नहीं हुआ ये लोग बोलेंगे बाढ़ में जा हमको हमारा नाइन परसेंट चाहिए तेरा प्रॉफिट से हमको कोई लेना देना नहीं है मतलब इनके साथ दो कमिटमेंट आ रहेगा इस कौन से दो कमिटमेंट है इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट कैन वी से दो तरीके के रिस्क है एक पीरियोडिक पेमेंट का रिस्क है क्या बोलेंगे हम उसको इंटरेस्ट की जगह मैंने वर्ड क्या डाला पीरियडिक पेमेंट और दूसरा रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कैन वी से दिस क्यों सर इंटरेस्ट अच्छा है ना सर अरे इंटरेस्ट इनको देते इनको देते क्या क्या इनके साथ रिस्क है, वाले लोग है? इनके साथ रिस्क है क्या है क्या yes, है. ये लोग भी तो अपना पैसा वापस लेंगे और ये लोग भी तो फिक्स रेट से एग्जैक्टली exactly, प्रेफरेंस डिविडेंड लेंगे कि नहीं तो इनके साथ भी रिस्क है ये सबसे कम रिस्क लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे ये लोग रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल लेते क्या ये लोग दो ही केसेस में इनका पैसा इनको वापस दिया जाता है और एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन से पहला वाइंडिंग अप ए भाई तू हेड डाउन मत कर वाइंड अप हो रहा है तेरा तो बाजू वाले को उठा झापड़ मारने का बाजू में अगर सोया ना तो एक थप्पड़ मार दो मेरी तरफ से पूरा परमिशन है ठीक है अगली बार अगर कोई हेड डाउन करेगा तो बाजू वाले को मैं मारेगा इधर ध्यान दो हेड डाउन अलाउड नहीं है भाई आपका अगर तबियत ठीक नहीं है क्लास के पहले आके बोलो तबियत ठीक नहीं है फुल टाइम हेड डाउन करो मेरे को प्रॉब्लम नहीं बट अगर आप यहां पर हेड डाउन करोगे तो अलाउड नहीं है ठीक है <laughs> तो ध्यान दो सब लोग पहला चीज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी जिसको हम लिक्विडेशन बोलते हैं ना लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में क्या होता है आपको प्रिंसिपल अमाउंट मुझे वापस देना पड़ता है मगर वो भी सबको देने के बाद समझा कि नहीं बचा कुछ अपनी भाषा में प्रेसिड्यूल वैल्यू ठीक है और दूसरी बात दूसरा सिचुएशन बायबैक ऑफ शेयर्स बाय बैक ऑफ शेयर्स टीसीएस कर बाय बैक तो बायबैक जब होता है ना तो कंपनी ओवर कैपिटलाइज है कंपनी को अपना कैपिटलाइजेशन कम करना है कैपिटलाइजेशन मतलब फंडिंग बहुत एक्स्ट्रा फंडिंग है कंपनी कैश रिच हो चुका है कंपनी बोल रहा है इतना उस पर भी कोई ऑफर क्यों करेगा ना अभी अगर फॉर एग्जाम्पल टीसीएस का अभी प्राइस चल रहा है तीन हजार छह सौ एग्जाम्पल तो तीन हजार छह सौ में कंपनी खरीदने को तैयार है मैं बोलूंगा कि तीन हजार छह सौ प्राइस पर मैं किसी और इन्वेस्टर को नहीं बेच रहा तो कंपनी को क्यों बेचू सिंपल है ना तीन हजार छ सौ में ही बेचना था तो मार्केट में प्राइस दिख रहा है तीन छह सौ में कब का बेच सकता था तो कंपनी को अगर बेचना है तो है तो कंपनी बोलती काम कर छह सौ बेच तो अपन बोलेंगे हाँ है ले लो लालच में आके और उसको बोलते हैं बायबैक तो बायबैक जो होता है और लिक्विडेशन ये दो ही केसेस है जिसमें कंपनी क्या करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके प्रिंसिपल अमाउंट को रीपेमेंट करते आर दी ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या बाईबैक हर साल होता है नहीं भाई एक्स्ट्रोर्डनरी सिचुएशन से है। तो कैन वी से ऐसा रीपेमेंट का रिस्क के इक्विटी के केस में होता है क्या नहीं होता है नहीं होता है बराबर व्हाट अबाउट पीरियोडिक पेमेंट पीरियोडिक पेमेंट का रिस्क जैसे इनको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जा रहा है फिक्स्ड रेट से जैसे आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है फिक्स्ड रेट से आपको क्या दिया जा रहा है डिविडेंड दिया जा रहा है नो फिक्स रेट आर यू अंडरस्टैंडिंग भाई डिविडेंड देंगे वो भी फिक्स रेट नहीं है मन में आया दस परसेंट देंगे मन में आया पचास परसेंट देंगे मन में आया जीरो परसेंट देंगे चलेगा क्या आपको यस एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी होता है मतलब इससे कम रिस्क किसका हो भाई और क्या चाहिए ये बोल रहे पैसा ले लो वापस भी मत दो और पीरियोडिकली फिक्स रेट भी मत दो आर यू जेपिंग सबको समझा क्या तो भाई ये होता था रिस्क वाला पार्ट एक होता था डायल्यूजन ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट एक लास्ट पार्ट छूटा है जो इसने गलती से बोला किसी और कंट्रेस्ट में बोला बट गलती से बोला क्या था वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो सोर्सेस है जो लोगों ने मुझे पैसा दिया है मैं कंपनी हूं क्या आपके पैसों का मेरे तरफ कुछ कॉस्ट है मतलब ऐसे ए कंपनी में आपका पैसा यूज कर रहा हूं तो डू यू थिंक आई एम इनकरिंग सम कॉस्ट ऑन गाइस जो लोग यहां पर ये लाइव स्ट्रीमिंग में है वो भी बोल सकते हैं बोलिए है क्या कुछ कॉस्ट यस yes. है क्या है जो पीरियोडिक पेमेंट हो रहे हैं वही तो कॉस्ट है भाई साहब कॉस्ट है पीरियोडिक अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जा रहा है उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है इनको डिविडेंड दिया जा रहा है तो ये सब हमारे लिए क्या बन गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरली जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलता हूं तो काफी लोग सोचते कि पैसा लाने के वक्त का कॉस्ट होगा लाने के वक्त नहीं गई यूज करने का कॉस्ट आर यू विद मी यस कॉस्ट कॉस्ट यूज़ करने के को मैं बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी भी सीएफओ तुम क्या करना चाहोगे क्या करोगे मिनिमाइज करोगे ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा होना चाहिए लीस्ट कम से कम बराबर है तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स इतने सारे टाइप्स में से हो गया हर एक जगह मेनली हमको देखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफकोर्स हम और दो चीजें देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कौन सी दो चीजें देखेंगे रिस्क देखेंगे डायल्यूजन ऑफ कंट्रोल एक देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा मैंने सिर्फ एक ही चीज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बट डोंट वरी वो बाकी दो चीजें भी डिस्कस हो जाएगी ठीक है अब जो तुमने रिस्क कॉस्ट एंड डायल्यूजन ऑफ कंट्रोल रिस्क कॉस्ट कंट्रोल बोलते अपन इसको क्या बोलते बोलो रिस्क रिस्क कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल कंट्रोल विद मी तो ये तीन चीजें देखकर आप कंपनी के सौ करोड़ का कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हो सौ करोड़ क्या था कैपिटल इसको टेक्निकल भाषा एक वर्ड यूज करू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बोलते बोलो Capital. सब लोग बोलेंगे एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड पास होना है ना तो सब लोग बोलेंगे एक बार कैपिटल एम्प्लॉय एक बार ही बोलना है ज्यादा बोला तो ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते कैपिटल एम्प्लॉय ये क्या था सौ करोड़ का अमाउंट था जिसको हमने कैपिटल एम्प्लॉयड बोला अब ध्यान से सुनो इसका जो कॉम्बिनेशन था वो मैंने डिसाइड किया फिफ्टी परसेंट इनसे लाना है फिफ्टी करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर्स थर्टी करोड़ आपसे ला लेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ट्वेंटी करोड़ डेट वालों से ला लेंगे तो मेरा रेशियो बन गया फाइव ज टू थ्री इज टू टू आर यू विद मी फिफ्टी करोरस थर्टी करोड ट्वेंटी करोड़ फाइव इज टू थ्री इज टू टू आर यू क्लियर इस कॉम्बिनेशन को हम बुलाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बुलाते बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड अलग था कैपिटल स्ट्रक्चर अलग था पहली बार दो वर्ड सुने हैं डरो मत ये सब याद हो जाएगा आपको इतनी बार रिपीट करूंगा मैं कि आप इसके आगे मेरे मुंह से सिर्फ टेक्निकल शब्द सुनोगे और बार बार मीनिंग बताते रहूंगा तो आप टेंशन तो मत ही लो कि ये याद रहेगा क्या ठीक है बोलो इस कॉम्बिनेशन को क्या बुलाया कैपिटल स्ट्रक्चर तो कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को क्या करना है कॉस्ट रिस्क कंट्रोल देखकर क्या डिसाइड करना है कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। वाई बोरिंग ना लॉन्ग टर्म फंड्स। इसको हम बुलाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो कितनी चीजें देखी गई तीन आर सी सी बोलो एक बार आर सी सी रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल डोंट वरी उसके अंदर भी और डिस्कशन करेंगे अभी सिर्फ पार्टिसिपेट करो लिखने का कोई टेंशन मतलब बिलीव मी आपके नोट्स में ये सब चीजें रह जाएगी मैं खुद डिक्टेट करूंगा ठीक है अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए बेटा मिनिमम चाहिए लीस्ट लिख दो मतलब कम से कम चाहिए क्यों कम से कम चाहिए क्योंकि जितना सस्ता कैपिटल आएगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा ना इन्वेस्ट कर प्रॉफिट ज्यादा होगा ठीक है तो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया मिक्स और कॉम्बिनेशन डिसाइड किया लीस्ट कॉस्ट के क्राइटेरिया पर रिस्क कंट्रोल दोनों को देखकर इसको बोलते हैं अगर ये कंपनी के एडवांटेज के लिए आप कर रहे हो कंपनी को इससे फायदा हो रहा है इस कॉम्बिनेशन से कंपनी को फायदा हो रहा है बेनिफिट हो रहा है एडवांटेज हो रहा है तो इसको टेक्निकली बुलाते हैं लेवरेज क्या बुलाते हैं बोलो लेवरेज का मीनिंग क्या बोला मैंने एडवांटेज एडवांटेज को टेक्निकली क्या बोलते हैं लेवरेज बहुत कॉमन शब्द है फाइनेंस का लेवरेज हम भी बहुत बार यूज करेंगे इसके बाद आपको खुद कोई एडवांटेज लेवरेज कॉमनली समझ जाएगा ठीक है तो ये कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने क्या कर दिया पैसा ला लिया कितना पैसा लाया सौ करोड़ रुपए लाया डू यू थिंक आपका काम खत्म हो गया माइक कहां पर है हमारा मैडम को दो अब क्या करेंगे बोलो पैसा आ चुका है मैं कौन करो फंड्स बिजनेस में आ चुके हैं आप क्या करेंगे मतलब एक वर्ड में क्या बोलो इसको में यूज करेंगे बिजनेस में इसको बोलेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स यूटिलाइजेशन मतलब इन्वेस्टमेंट एवरीबॉडी तो फाइनेंस मैनेजर का सेकेंड फंक्शन यहां पे आ जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑल ऑफ यू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अपनी सिंपल भाषा में क्या है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपना क्राइटेरिया क्या चाहिए अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न्स मैक्सिमम रिटर्न्स तो यहां पर हमने लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम रिटर्न ये क्राइटेरिया है अच्छा आपने अभी अभी बोला मैडम कि मशीन खरीदेंगे प्रोडक्शन करेंगे दो बहुत अलग चीजें थी एक मशीन खरीदना लॉन्ग टर्म है एक प्रोडक्शन करना शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटीज है तो एक्चुअली फंड जो इन्वेस्ट होते हैं वो भी दो तरीके के होते मैडम को बोलो मैडम को हाँ फंड इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते दो पहला लॉन्ग टर्म दूसरा शॉर्ट टर्म ऑल ऑफ यू विद मी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ठीक है लॉन्ग टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स। अगर मैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के नीचे लिख रहा हूं लॉन्ग टर्म और यहां लिख रहा हूं मैं शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म पे पहले फोकस करो लॉन्ग टर्म को अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलेंगे जो पैसा हमने मशीनरी में डाला प्लांट में डाला क्या बोला थे फिक्स्ड कैपिटल अरे इलेवन ट्वेल्थ की भाषा में बोलो ना यार थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अब ध्यान से सुनो मेरी बात लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दे इंपॉर्टेंट भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है तू लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे लॉन्ग टर्म फंड के लिए तुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, है न तो क्यू इंपॉर्टेंट है कुछ रीजन्स चाहिए मुझे लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स जो है वो इंपॉर्टेंट क्यू है माइक दो हा आज जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है मगर आज की वजह से सिर्फ आज या एक दो महीने या एक साल नहीं चेंज हो रहा है फ्यूचर चेंज हो रहा है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है या नहीं और यूज कैश आउटफ्लो वेरी गुड यूज कैश आउटफ्लो यूज इन्वेस्टमेंट भाई तू कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई तू परचेज नहीं किया दस बीस हजार का तेरी मशीनरी खरीदा है जो शायद एक दो करोड़ की रह सकती है दो पांच पचास लाख की रह सकती है ऑब्वियसली ह्यूज कैश आउटफ्लो या ना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के करो कंपनी एक्ूमिलेटेड रिजर्व है ये कंपनी के इकट्ठा इतना बड़ा अमाउंट खर्च कर रहा है सोच समझ के करो तीसरा रीजन तो वो तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो गया ये जो अभी बोला कि आज जो कर रहे हो उससे लं, लंबे अरसे तक रिटर्न आएंगे प्रॉफिट आएंगे या लॉस भी हो सकता है रिवर्स नहीं किया जा सकता है ये जो फैसले है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता मतलब थोड़ा एलोबरेट करो इसको माइक दो माइक दो माइक दो आने के चेक करो Hello. हाँ कंप्यूटर है।, मतलब तो है जो आपके सामने दिख रहा है पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप है पूरा ये ये एक्चुअली दो तीन लाख का है तो आपको क्या लगता है ये मार्केट में बेचने जाएंगे तो दो तीन लाख नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे ऑफकोर्स एक आध लाख आ गया तो बड़ी बात है इन समझा क्या अगर रिवर्स करने जाएंगे तो यूज लॉसेस कैपिटल लॉसेस हो जाएंगे वेरी गुड तो तीन रीजन बोले अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाउ मेनी रीजन थ्री रीजन पहला ह्यूज इन्वेस्टमेंट दूसरा लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन बोलेंगे फ्यूचर इंपैक्ट को क्या बोलेंगे लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन आज का फैसला लंबे अरसों तक इंपैक्ट करेगा और तीसरा इिवर्सिबल इन नेचर कैन वी से बिल्कुल ये शादी जैसा फैसला हो गया शादी का फैसला इंपॉर्टेंट है क्या भाई हाँ हाँ मुंडी तो देखो ऐसे हिला ला रहे हो हाँ। तो शादी का फैसला इंपॉर्टेंट है यही तीन रीजन की वजह से चलो रिलेट करो अभी यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया में रहते हो भाई बिग फैट वेडिंग करते दूसरा लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन आज अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो लाइफ बेस्ट नहीं तो लाइफ वेस्ट है ना लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन और तीसरा इरिवर्सिबल रिवर्सिबल इंडिया में रहते हो तुम सात जन्मों की शादी होती है इधर तो सात फिर सात जन्मों की शादी हो गई तो भाई इरिवर्सिबल नेचर हो गया ना तो जैसे शादी के फैसला इंपॉर्टेंट था यही एग्जैक्ट तीन रीजन इधर भी आते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होते हैं और इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं समझे क्या यस ओ नो चलो बढ़िया वहां पे टेंशन में लग रहा है थोड़ा सा ऐसा शादी का फैसला नहीं लेने का टेंशन मत ले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं तीन रीजन की वजह से भाई इसका मतलब फाइनेंस मैनेजर को बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा ये फैसलों के लिए फाइनेंस मैनेजर हैज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बराबर है कि नहीं तो उसके लिए वो क्या करता है मानो मैं? वो इस टाइप के एक्सपेंडिचर्स इस टाइप के एक्सपेंडिचर्स का करेक्ट डिसीजन हो इसलिए एक स्पेशल टेक्निक यूज करते वो जिसको बुलाते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या बुलाते बोलो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स सर ये क्या होते हैं जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए आपको टेक्निक यूज करने उसका नाम है ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स जो है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स उनको सही है नहीं है फैसला ले रहे हम लोग ये मशीन बाय करें या वो मशीन बाय करें तो वो फैसला लेने के लिए जो टेक्निक्स आप यूज करते हो उसे नाम क्या दिया गया है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर यू वेरी क्लियर ठीक है तो ये हो गया लॉन्ग टर्म व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म गाइस डे टू डे एक्टिविटी में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो प्रोडक्शन जो बोला था आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अच्छा दो मिनट के लिए सोचते हैं कि हम क्या देख रहे हैं तो आपको समझेगा कि जो हम प्रोक्योरमेंट साइड लिखे ना प्रोक्योरमेंट साइड उधर प्रोक्योरमेंट वो बैलेंस शीट का लाइब्रेटी साइड है और yes नो no? और जो अब देख रहे हैं ये यूटिलाइजेशन है मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड है बस इतना है कि आप अकाउंटिंग में उसको एसेट लेबिलिटी बुलाते हैं फाइनेंस में अपन उसको प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन बुलाते हैं यूटिलाइजेशन में अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात कर ली मतलब बैलेंस शीट के अंदर ऊपर जो एसेट्स आते हैं ना उसकी बात कर ली अब उसके नीचे क्या आता है बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स के नीचे क्या आते हैं करंट एसेट्स नॉट जस्ट डेटर्स बट बाकी पूरा ग्रुप ग्रुप ऑफ दैट आइटम्स जो है डेटर्स स्टॉक कैश एंड बैंक बैलेंस समझा कि नहीं तो इन सब को इकट्ठा हम क्या बुलाते करंट एसेट्स और इसी के जैसा लाइबिलिटी साइड होता है जहां पर लॉन्ग टर्म सोर्सेस को हम बुला रहे कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल सौ करोड़ था ना कैपिटल एम्प्लॉयड और उसी के वर्सेस में डे टू डे एक्टिविटीज में जो पेएबल होता है उसे बुलाते हैं करंट लाइबिलिटीज समझे तो करंट असेट्स इधर है करंट लैब्रिटीज उधर है डे टू डे एक्टिविटीज में ये पैसा इन्वेस्ट किया है डे टू डे एक्टिविटीज में वो पैसा पेबल है इसको अगर मैं नेट आउट कर दू तो प्रॉफिट होता है सोचिए सोच के बोलिए डे टू डे एक्टिविटीज में तुमने करंट असेट्स में सौ रुपया इन्वेस्ट किया एग्जाम्पल और डे टू डे एक्टिविटीज में आपका पेबल अमाउंट फोर्टी है फोर्टी है सो व्हाट इज दैट हंड्रेड माइनस फोर्टी का सिक्सटी का फिगर क्या है डे टू डे एक्टिविटी में नेट पैसा उसे बुलाते हैं नेट वर्किंग कैपिटल क्या बुलाते हैं दोस्तों यस एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेटवर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी सीख लिया आपने फाइनेंस का पहला फॉर्मूला रन गाइज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज डे टू डे एक्टिविटीज में जो पैसा ग्रॉस नहीं लगा वो सौ रुपया करंट्स है उसका दूसरा नाम है ग्रॉस ग्रॉस क्या हैं बोलो working capital. और उसके जो हम सेट कर रहे पेबल देिटीज उसको नेट आउट अगर कर दू तो मैं क्या बोलाऊ वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल कितने टाइप के हो गए दो पहला ग्रॉस मतलब सिर्फ करंट असेट्स मेरी भाषा में सौ रुपया मेरे एग्जाम्पल में ठीक है और सौ माइनस फोर्टी करेंगे करंट एसे करेंगे, करेंगे तो क्या नेट वर्किंग कैपिटल अच्छा कुछ नहीं बोला तो कौन सा वर्किंग कैपिटल क्या लगता है आपको कुछ भी बोला नहीं है ग्रॉस नहीं नेट नहीं वर्किंग कैपिटल ऑलवेज प्रिज्यूम टू बी वर्किंग कैपिटल आर यू वेरी क्लियर एवरी वन समझ में आ रहा है अच्छे से सब लोग जुड़े हैं मेरे साथ अच्छा ये सब याद रहेगा क्या आज की आज रखने की जरूरत भी नहीं है। रख लिया अच्छा है नहीं रखे और अच्छा है टेंशन मत लेना इसको याद करना नहीं है अपने को कुछ भी कंसेप्ट समझ रहे ना आपको सौ करोड़ क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कौन से पैसों का टोटल था लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या दोनों दोनों नहीं लॉन्ग टर्म था लॉन्ग टर्म था बराबर है कि नहीं मैंने कॉम्बिनेशन भी तुम तीनों का लिया था इक्विटी प्रेफरेंस एंड डेट मैंने करंट लाइब्रेडी डाला तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ लॉन्ग टर्म उसका टोटल को क्या बुलाते कैपिटल एम्प्लॉयड कॉम्बिनेशन को क्या बुलाते वेरी गुड कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाते अमेजिंग 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 समझ रहे हैं अच्छे से चलो तो ये आ गया लॉन्ग टर्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे बिल्कुल शादी जैसे हमने तीन रीजन बोले इसके पहला रीजन बोला आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट दूसरा बोला आपने लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन तीसरा बोला आपने इ इन नेचर इ रिवर्सिबल नेचर ठीक है अब क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट है तो उसको स्पेशल टेक्निक यूज करना पड़ेगा कौन सी टेक्निक यूज करोगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक वेरी गुड कैपिटल बजटिंग टेक्निक क्या होता है सर वो अपन अभी नहीं बोलेंगे ठीक है फिलहाल जो वर्ड्स मैं आपको आपके दिमाग में डाल रहा हूं दैट्स इंपॉर्टेंट उसके अंदर क्या है वो अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे यहां तक के कोई डाउट किसी को पक्का अब शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो जैसे उधर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा था अकाउंट्स की भाषा में अब मुझे यहां पर फाइनेंस की भाषा में क्या लिखू बताओ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुम्हारा अकाउंट्स का भाषा है भाई वर्किंग कैपिटल अभी तो बोला अपन ने क्या बोलाते उसको वर्किंग कैपिटल सो डे टू डे एक्टिविटीज में शॉर्ट टर्म में जो पैसा गया उसे हम बुलाएंगे क्या वर्किंग कैपिटल और फाइनेंस मैनेजर को क्या करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना पड़ता है क्या करना पड़ता है मैनेजमेंट मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में वर्किंग कैपिटल कम भी नहीं होना चाहिए ज्यादा भी नहीं होना चाहिए इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दिस इज वॉट फाइनेंस मैनेजर इज सपोज टू डू ठीक है तो फाइनेंस मैनेजर को ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये यूटिलाइजेशन वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है और जब यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो टारगेट क्या है भाई मैक्सिमम रिटर्न्स टारगेट क्या है मैक्सिमम रिटर्न्स यूटिलाइजेशन कितने टाइप के दो एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को क्या बुलाते हैं वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म को क्या बुलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके लिए क्या यूज होता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज क्या होता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स ठीक है कुछ बातें आएगी कुछ बातें नहीं आएगी इट्स ओके गिव योर सेल्फ समटाइम कुछ आंसर्स बोले जाएंगे कुछ नहीं बोले जाएंगे आपका बाजू वाला दौड़ 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 बोल रहा है कॉन्फिडेंस लूज मत करो इट इज नथिंग आज ये फर्स्ट डे है इससे कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है आप बस पार्टिसिपेट करो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट ठीक है सब लोग क्लियर है नाउ ये प्रोक्योरमेंट आप बोल रहे हो लीस्ट कॉस्ट पर करो लीस्ट कॉस्ट पर करो इन्वेस्टमेंट के लिए आप बोल रहे हो मैक्सिमम रिटर्न्स आने चाहिए अच्छा ब्लैक हो गया हो कोई बात ये देखो लीस्ट कॉस्ट पे होना चाहिए

इनको देने के बाद मेरी कंपनी का क्या निकलेगा प्रॉफिट क्या निकलेगा बोलो प्रॉफिट फिर गवर्नमेंट बोलेगा आप प्रॉफिट निकला टैक्स दे दे अपन बोलेंगे दे दे भाई कितना टक्का है तीस। ले ले तीस कितना बचा कितना बचा सत्तर क्या दे दू आपको ये बोले रोक हमको पहले दे दे, दे प्रेफरेंस डिविडेंट दे दिया प्रेफरेंस डिविडेंट कोई बचा क्या भाई कोई नहीं ये बोलेंगे अब तो दे दो बचा हुआ तो दे दो मैं बोलूंगा ठीक है दे दो ठीक है मगर नहीं देंगे हम बिलोंग आपको ही करता है डोंट वरी पैसा आपका ही है मगर ये याद रखो कंपनी भी आपकी है तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिजर्व एंड सरप्लस देर इज डिविडेंड, तो कुछ पार्ट दे देंगे कुछ पार्ट नहीं देंगे डू यू अग्री ऐसा होता है जो पार्ट दे दिया वो क्या है वेरी गुड डिविडेंट है जो पार्ट दे दिया वो डिविडेंट है और जो पार्ट नहीं दिया वो रिजर्व एंड सरप्लस है वेरी गुड

ये भी तो शॉर्ट टर्म में लेने वाले फैसले है जिसको मैं बुला रहा हूं ये थोड़ा एक काम कर लेते <coughs> नीचे लिख देते हैं डिविडेंड डिसीजन आर दे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बिकॉज इससे क्या होगा कंपनी का रिटेनरिंग जमा होगा और कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव चेंज होंगे बट यह फैसला शॉर्ट टर्म है

जरूरी है क्या यस yes. और अगर ये जरूरी है तो इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस इवेलुएशन क्या करना पड़ेगा कंपनी का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना पड़ेगा परफॉर्मेंस इवेल्यूशन आपका होता है अब भी तो डिक्लेयर किया मैंने टेस्ट होंगे क्यूमलेटिव टेस्ट होंगे बाद में आप टेस्ट सीरीज लगाना फिर फाइनल एग्जाम होगा तो बीच में ये क्या था परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इज दिस इंपॉर्टेंट बस बिल्कुल जैसे आपके सक्सेस के लिए परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन होना चाहिए वैसी कंपनी के सक्सेस के लिए भी परफॉर्मेंस इवेल्यूशन होना चाहिए तो बीच में एक फंक्शन आएगा वो रहेगा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कौन करेगा कंपनी करेगा खुद फाइनेंस मैनेजर और परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के लिए फाइनेंस मैनेजर क्या यूज करेगा रेशियो एनालिसिस क्या यूज करेगा बोलो रेशो एनालिसिस नाम सुना होगा आपने रेशियो एनालिसिस ये यूज होगा दो तरीके के रेशियो एनालिसिस होते हैं एक इंटर फर्म और एक इंट्रा फर्म नाम से कुछ समझा इंटर फर्म में क्या होगा मेरे परफॉर्मेंस मेरे रेशियोज मैं किसी और कॉम्पिटिटर के रेशियोज के साथ कंपेयर करूंगा वॉट इज दैट इंटर कंपनी इंटर इंटरफॉर्म और अगर आप मेरे ही रेशियोज लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करोगे तो यस इंट्राफॉर्म समझे सो इसे क्या हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कितने टाइप के हो गए oh. दो पहला इंटरफॉर्म दूसरा इंट्राफॉर्म वंडरफुल गाइस समझा के अच्छे से नाउ <coughs> ऐसे सिनेरियो में ये पूरा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये फाइनेंस मैनेजर का फंक्शन है डे टू डे एक्टिविटीज में फाइनेंस मैनेजर ये सब करता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये सब करता है और ये आपका सी ए इंटरमीडिएट का सिलेबस है बस पहले लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर दिया पूरा सिलेबस पूरा सिलेबस गाइस मतलब अगर मैं आप दो मिनट के लिए आपके सामने ये मत करो यार दिस इज समथिंग मी एंड विनोद रेड्डी सर बोथ हिट तो प्लीज ये देखिए आपका पूरा का पूरा सिलेबस है ये क्या हमने देखा ये स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब बेसिक चैप्टर जिसमें फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा क्या नहीं करेगा सब आ गया और इसी चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने एक पार्ट हटा दिया है बट मैंने उसे हटाऊंगा मैंने रखा है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंस्टीट्यूट क्यों हटाया वो भी मैं बोलता हूं पहले था इंस्टीट्यूट ने सोचा कि ये स्टूडेंट्स फाउंडेशन में पढ़ रहे तो इंटर में क्यों चाहिए अपन ने बोला फाउंडेशन में पढ़ा तब नहीं समझा होगा अब पढ़ लेंगे तो मैंने मेरे नोट्स में पूरा का पूरा सिलेबस रखा है और मैं प्रिज्यूम नहीं करूंगा कि आपको एक भी फॉर्मूला आता है ठीक है यस मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्योंकि मेरा पूरा फाइनेंस उस पर डिपेंडेंट है ठीक है दूसरी बात लिवरेजेस देखे अपन ने लिवरेज का मतलब क्या देखा अपन एडवांटेज देखा ना कहा पड़ा वो भी सुनो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो इधर ध्यान दो बॉयज ऑफ यू फोकस ध्यान दो लेवरेज कहां पड़ा अपन ने जब एक फाइनेंस मैनेजर कहां पड़ा मैडम लीस्ट कॉस्ट पे दे, देता है और वो कंट्रोल और रिस्क को बैलेंस आउट करता है देखता है मतलब कंट्रोल क्या है रिस्क क्या है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम रखता है कंपनी को मिल जाता है उससे एडवांटेज कंपनी को क्या मिलता है एडवांटेज इसी को बुलाया हमने लेवरेज फिर कैपिटल स्ट्रक्चर ये देखा क्या आपने क्या था ये मिक्स और कॉम्बिनेशन फाइव इज टू थ्री इज टू टू वो जो सौ करोड़ का जो कॉम्बिनेशन था लॉन्ग टर्म फंड्स का उसको हमने बुलाया था कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा यस गाइस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट रेगुलर बेसिस पर पीरियोडिकली जो देना है वो कॉस्ट उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर क्या हमने रेशियो एनालिसिस की बात की यह क्या था परफॉर्मेंस इवेल्युएशन याद आया परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस जो परफॉर्मेंस इवेलुएशन जिसको हम हैं रेशियो एनालिसिस उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग देखा हमने कहां कहां से कंपनी को पैसा मिल सकता है डेट इक्विटी प्रेफरेंस टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग प्रोक्योरमेंट के अंदर पहला बात अपन यही किया टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग फिर उसके बाद कैपिटल बजटिंग की बात की क्या कैपिटल बजटिंग कहां यूज होता है लॉन्ग टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के फैसलों को लेने के लिए जो टेक्निक जो तरीका आप यूज करने वाले हो उसे बुलाते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक आर यू विद मी समझ रहा है क्या सबको अच्छे से यस yes. फिर डिविडेंड डिसीजंस देखा क्या अपन ने डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर एवरी ईयर हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे इंट्रीम डिविडेंड देंगे कभी फाइनल डिविडेंट देंगे कितना डिविडेंट बांटना है कितना प्रॉफिट रिटेन करना है इसे बुलाते हैं डिविडेंट डिसीजंस आर यू जिपिंग सबको अच्छे से समझा क्या नाउ लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या हमने ये भी देखा डे टू डे एक्टिविटीज में जो पैसा ब्लॉक होता है उसे हम बुलाते हैं वर्किंग कैपिटल एवरी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज गाइस तो इतने पूरे टाइम में हमने पूरा का पूरा सिलेबस देखा और ये सिलेबस आपने मेरे साथ देखा हर जगह आप पार्टिसिपेट किए थे नाउ आई वांट की पेज नंबर वन आपके नोट्स का ब्लैंक है बट आपके पास नोट्स नहीं आए रहेंगे अभी तक नहीं आए रहेंगे ना ये देखिए पेज नंबर वन दिख रहा है आपको चैप्टर नंबर वन का पेज नंबर वन ये ब्लैंक क्यों रखा गया है इस ब्लैंक पेज पर आपको वो पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ करना है बट क्योंकि आपके पास नोट अवेलेबल नहीं है तो आप ये चार्ट कहां ड्रॉ करोगे आपके नोटबुक में ड्रॉ करोगे अभी एक बार ड्रॉ कर लो अभी एक बार लिख दो लिख पाओगे टाइम दिया तो लिख पाओगे ठीक है मेरे स्क्रीन पर ये यहां पर ऐसा ब्लैंक ही रहने वाला है आप ट्राई करो पहले आप एक बार ट्राई कर लो फिर मैं स्क्रीन दिखाऊंगा ठीक है सर ये तो फंसा दिया सर वर्डिंग क्या थे सर ठीक है एक काम करता हूं सुनिए स्क्रीन सामने रहेगा वर्ड याद नहीं आया तो देखना है ठीक है वर्डिंग याद नहीं आई तो देखोगे स्क्रीन सामने कि मैं फिर से लिखूं आपके साथ एक बार पक्का ठीक है ऊपर <coughs> कुछ नहीं लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा है ऊपर कुछ नहीं लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा है तो बस जुड़ जाइए मेरे साथ विदाउट देखे हो सके उतना स्क्रीन को यूज मत कीजिए एंड बिलीव मी दिस टेक्निक वर्क्स लाइक मेरा स्क्रीन की आदत छोड़ दीजिए मैं तो बोल रहा हूँ स्क्रीन की तरफ मत देखिए वहां के कुछ लोग तो वो बोल रही है ये क्या लिखा है इधर क्यों ये नहीं है उधर क्यों कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो स्पेस छोड़ दीजिए डोंट वरी मैं आपको फिर से एक बार ये रिवाइज कराऊंगा तब आपको समझा दूंगा जब जब स्क्रीन की तरफ देखना है बिंदास देखिए कोई कॉपी नहीं कर रहे हो आप आप सिर्फ रेफरेंस ले रहे हो ठीक है तो ऐसे चोरी चोरी छुपे छुपे ऐसे टेढ़ी नजर से मत देखो ऐसे बिंदास देखो आप जब देखना है तब लेवरेज जो है ना बेटा ऋषभ वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर आता है बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर में ही तुम प्रोक्योरमेंट के वक्त कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हो तो कॉम्बिनेशन तुम्हारे लिए एडवांटेजेस होना चाहिए कॉम्बिनेशन शुड बी एडवांटेजेस फॉर यू

आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब फंड्स जो आपके पास आए हैं उसको यूज करने का कॉस्ट डिविडेंड देना होता है प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है इंटरेस्ट देना होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी भी लीस्ट चाहिए मिनिमम चाहिए इसलिए वहां पे लिखा है लीस्ट कॉस्ट क्या लिखा है वहां पर लीस्ट कॉस्ट उधर का लाइट क्यों ऑफ है ऑन कर ऑन कर ऑन कर दो आप जाइए ऑन कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका लीज चाहिए ठीक है फिर कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा जाएगा क्या नहीं उसके साथ साथ रिस्क एंड कंट्रोल वो लिखा नहीं है यहां पर बट वो देखा जाएगा शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया अपने आर रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल एवरीबडी रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल ये देखा जाएगा और उससे डिसाइड होगा कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग था मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स फंड्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या दोनों लॉन्ग टर्म सेफेस्ट ऑप्शन दोनों बोल देंगे ऐसा नहीं रहता है ठीक है लॉन्ग टर्म ये बन गया कैपिटल स्ट्रक्चर एवरीवन वन कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा चाहिए आपको एडवांटेज चाहिए आपको देना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर ने एडवांटेज ओके दैट एडवांटेज इज कॉल्ड एज लेवरेज क्या उसे लेवरेज तो ये बन गया आपका प्रोक्योरमेंट साइड प्रोक्योरमेंट साइड डन हो गया अब जाओ लास्ट यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन मतलब क्या इन्वेस्टमेंट यूटिलाइजेशन करना मतलब इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं दो यूटिलाइजेशन के टारगेट क्या होता है मैक्सिमम रिटर्न दैट शुड बी योर टारगेट मैक्सिमम रिटर्न का टारगेट रख के हम दो तरीके के यूटिलाइजेशन करते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के यूटिलाइजेशन को क्या बुलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दे इंपॉर्टेंट हाउ मेनी रीजन्स थ्री रीजन बिल्कुल किसके जैसे शादी जैसे फैसला इंपॉर्टेंट है यस क्यू ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा दूसरा लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंट इंपैक्ट होगा और तीसरा इरिवर्सिबल होगा तो अगर ये शादी के जैसे है ये तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी ये ये तीनों चीजें होगी कि भाई ये भी इरिवर्सिबल है करेक्ट इसमें भी यूज इन्वेस्टमेंट है और ये भी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करेगा आपकी कंपनी के लिए यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है शिवम का शिवम बोल रहे सर वाई ओनली लॉन्ग टर्म फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर बिकॉज बेटा शॉर्ट टर्म कहां कवर हो गया वर्किंग कैपिटल में लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन यूटिलाईजेशन में लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ थ्री रीजन हो गया अपना अब कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक्निक्स उसको डिसाइड करने के लिए कौन से टेक्निक्स होती है अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कि तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स एवरी वन विथ मी उस साइड से सब लोग ध्यान दे रहे ओके कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है ये क्या काम की है आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में मैं ये सिस्टम जब खरीदने गया था तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था या तीन चार दस ऑप्शन रहेंगे दस ऑप्शन थे यही सिलेक्ट करना है ये मैं किससे डिसाइड करूंगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक आर यू अंडरस्टैंडिंग सो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के फैसले लेने में मदद करने वाली टेक्निक को मैं क्या बुलाऊंगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक आर यू जिपिंग नाउ गो टू शॉर्ट टर्म साइड शॉर्ट टर्म जो आपका यूटिलाइजेशन है उसको क्या बुलाते वर्किंग कैपिटल क्या उसे मैनेज करना जरूरी है यस yes, जरूरत से ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए कम बिल्कुल भी नहीं चाहिए ज्यादा रहेगा तो क्या होगा सपोज डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हमारे पास ट्वेंटी लाख का रिक्वायरमेंट था हमने थर्टी लाख रखा है बहुत पैसा है माइक का है माइक कहा है पीछे पास करो बोलिए आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए ट्राई कीजिए ट्वेंटी लाख का रिक्वायरमेंट है किसके लिए स्टॉक डेटर्स चलो स्टॉक का ही एग्जाम्पल लेते बीस लाख का स्टॉक रिक्वायर्ड था तीस लाख का रखा है क्या फर्क गिरेगा बहुत पैसा रख दिया क्या होगा एक्सेस कैपिटल प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या होगा पीछे पास करो बोलिए कैरिंग कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा ये तो कॉस्टिंग का आंसर दिया तूने बराबर एकदम कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा बट एक बात समझ बेटा फाइनेंस के एंगल से सोचते अभी तो भाई वो जो इन्वेस्टमेंट मेरा स्टॉक में दस लाख का रखा है क्या वो पोकट में आया क्या वो फ्री में आया यहां पे क्लियरली लिखा अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आइडल स्टॉक रखने से तेरे भाषा में कैरिंग कॉस्ट तो लगेगा ही मतलब उसको मेंटेन करने के लिए स्टोरेज करने के लिए जो कॉस्ट लगता है बट साथ ही साथ मेरे भाषा में फाइनेंस की भाषा में एक और कॉस्ट लगेगा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो दस लाख वहां नहीं होता तो कहीं और इन्वेस्ट होता वहां से हमें रिटर्न्स मिलते आज मिल रहे क्या दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जेपा? जरूरत से कम रखते ना फिर दस लाख बीस लाख का स्टॉक रखना था ना एक काम करते बारह लाख का रखते शॉर्टेजेस होंगे और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होने से क्या होगा कभी कभी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा कैन यू इमेजिन ये अपना फैक्ट्री है यहां पर बड़ा सेटअप करोड़ों रुपए का रेडी है मगर वो सेटअप में हम लोग रॉ मटेरियल डाल के फिनिश गुड्स बनाते हैं रॉ मटेरियल खत्म हो गया क्यों खत्म हो गया क्योंकि 20 लाख का रिक्वायरमेंट था अपन ने बारह लाख का ही रखा तो आठ लाख का स्टॉक है क्या अपने पास नहीं है शॉर्टेज है तो एक दिन फैक्ट्री बंद हो गई यू इमेजिन द कॉस्ट ऑफ कीपिंग द फैक्ट्री शट फॉर वन डे फिक्स कॉस्ट तो इनका रोगा ना आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यह जो आपका वर्किंग कैपिटल है ये जरूरत से ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए जेपा देन इसी को बोलते मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और उसी के साथ साथ एवरी ईयर जो हम लोग डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो करना जरूरी नहीं है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पहली बात और करना है तो कितना करना चाहिए मेरे क्वेश्चन समझो दो क्वेश्चन है डिविडेंड के फैसले में पहला क्वेश्चन क्या है शुड वी पे डिविडेंड और दूसरा क्वेश्चन क्या है इफ पे तो कितना समझा कि नहीं सर कैसे सर नहीं पे करेंगे तो कंपनी के होल्डर्स खुश नहीं रहेंगे सर एग्जैक्टली exactly. शेयर की प्राइस बढ़ेगी ना कंपनी के को क्या चाहिए डिविडेंड या तो शेयर प्राइस तो कितनी प्राइसिया है कितनी सारी जो कम से कम डिविडेंड देता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अरे बहुत सिंपल बात है माइक्रोसॉफ्ट हूं तो मैं क्या सोचूंगा तुम सब मेरे शेयर हो मैं सोचूंगा कि तुम गधों के हाथ में पैसा दूंगा तो 15 परसेंट या 10 परसेंट से ग्रो होगा मैं एप्पल है मैं माइक्रोसॉफ्ट है मेरा बिजनेस का 25 पच्चीस परसेंट तीस परसेंट है तो तुम्हारा ही पैसा मैं उधर इन्वेस्ट कर कर तुमको शेयर प्राइस बढ़ा के दूंगा ना सिंपल समझा क्या तो इसलिए एक कंपनी बोलती है तुम डिविडेंड मत लो तुम रिलैक्स करो तुमने राइट कंपनी में इन्वेस्ट किया है कंपनी कमाएगा तुम्हारे लिए और तुम बोलोगे हाँ ये मस्त है पहले एक दो साल और लगेगा बट तुम जब शेयर प्राइस बढ़ता हुआ देखोगे ना तो तुम बोलोगे भाई कंपनी तुम ही पैसा रखो हमको डिविडेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो पहली बात तो डिविडेंड देना है क्या देना है तो कितना देना है ये फैसले को क्या बोलाते हैं डिविडेंड डिस्टेंस समझे एंड फिर ये सब इस तरीके से होना चाहिए ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए बीच वाला फंक्शन आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन किस मेथड से होता है रेशियो एनालिसिस से होता है और कितने टाइप का होता है वो इधर लिखा नहीं है बट कितने टाइप का होता है दो टाइप पहला इंटरफॉर्म दूसरा इंट्राफॉर्म मेरा ही परफॉर्मेंस मेरे पिछले साल के साथ इंट्राफॉर्म मेरा परफॉर्मेंस किसी कॉम्पिटिटर के साथ इसी साल में इंटरफॉर्म आर यू जेपिंग परफेक्टली अंडरस्टूड नाउ ये जो भी हमने लिखा आज का आपका लॉजिक क्या है कि भाई इसको आपको विदाउट देखे कहां लिखना है रफ बुक में रफ बुक में टाइम पास बोल के लिखो मगर लिखो और मैंने क्या बोला आपको आज जिस वक्त मैं बोलू वो आपके लिए पत्थर की लकीर रहेगी आप आपका दिमाग नहीं लगाओगे जो बोला वो करना है आपको तो आपको क्या करना है आज एक नॉर्मल पेज लेना है प्लेन पेज और सोचो आप खुद चार्ट बुक बना रहे हो मेरे लिए मेरे लिए क्या खुद के लिए और आप ये चार्ट रेडी कर दोगे बहुत ब्यूटीफुल हैंड में क्लीन नीट टाइडी ऐसा मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा भी नहीं था वो बट सिंपल चीज जिसमें सब कवर हो रहा है वो वाला चार्ट रेडी करना है ठीक है कर लोगे नाउ टेल मी वन थिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी डू यू थिंक टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको आता है नहीं आता है सर कुछ लोग तो डायरेक्टली नहीं आता सर आता है कुछ लोग बोल रहे है, आता है से सीखा है फिर तो पक्के से आएगा बट नॉट एवरी वन रिमेम्बर टिल नाउ या वॉट एवर लेट्स रियलिस्टिक नहीं आता और जिनको आता भी है ना बॉस तो पेशेंस रखो हमारे साथ और सीख जाओगे ठीक है हम लोग यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलसी पर फटाफट करेंगे हम लोगों को स्टेप वाइज आंसर लिखना है बट कुछ चीजें कैलसी पर होने वाली ठीक है ठीके? तो वो टेक्निक्स मैं आपको यहां पर एफ एम सिखाऊंगा कि कैलसी पर कैसे होगा ठीक है तो जस्ट टेल मी वन थिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंसेप्ट या फॉर्मूलेस छोड़ दो बट बेस लॉजिक पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वॉट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी माइक प्लीज माइक 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 किधर है एक बेंच पीछे पास करो मैडम को दो यस मैडम बोलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट लॉन्ग प्रेस करो उसको स्टार्ट बटन में हो गया थोड़ा जोर से बोलो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन ओके बाजू में पास करो बोलिए फ्यूचर वैल्यू निकालना बाजू में पास करो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट क्या है वेरी गुड क्या बोला फिर से एक बार कॉन्फिडेंस से जोर से वेरी गुड डिफरेंट टाइम पीरियड के हिसाब से मनी की वैल्यू निकालना इसको बुलाते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहां पर भी कमेंट सेक्शन में आ रहा है चेंजिंग वैल्यू ऑफ मनी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी समय के साथ साथ पैसों की वैल्यू बढ़ती है या घटती है हा मेरी से घटती है डिक्रीज होती है ऐसा कितने लोगों को लगता है हाथ ऊपर करेंगे समय के साथ साथ पैसों की वैल्यू डिक्रीज होती है ऐसा जितने लोगों को लगता है हाथ ऊपर करेंगे आप बिल्कुल सही हो समय के साथ साथ पैसों की वैल्यू डिक्रीज होती है बिकॉज इन्फ्लेशन आता है अच्छा जिन लोगों को नहीं डाइजेस्ट हुआ अभी भी क्या बोला वो तो एक काम करो तुम मुझे एक लाख रुपए आज दे दो है सपोज तुम्हारे पास एक लाख मुझे दे दो तीन सालों बाद क्या लगता है आपको मैं आपको एक लाख वापस दे दू चलेगा नहीं भाई बाजू वाला झापड़ खाएगा बोलो समय के साथ साथ पैसों की वैल्यू डिक्रीज होती है कि नहीं होती है चलो एक काम करते हैं। आपके पास सपोज मैं बोल रहा हूं कि चलो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो एंड इसीलिए मैं आपको सीए बनने के बाद एक लाख रुपए एक को देना चाहता हूं पहले मैंने सपोज बोला ठीक है और अगर सच में ये एक अनाउंसमेंट है तो आपको मैं एक चॉइस दे रहा हूं सपोज कि तीन साल बाद लेना है या आज ही लेना है चॉइस आपकी है दो है ना आज ही दे दो आप भी दे दो डोर पे है ना इधर ही तो गाइज आपको पता है कि समय के साथ साथ तीन सालों बाद वो एक लाख की वैल्यू कम होने वाली कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर अभी दे दो तो पता नहीं सीए बने नहीं बने कम से कम एक लाख तो है ना वैसे भी बैच की फीस सत्रह हजार प्लस है, एक लाख मिल रहा है हाँ। तो गाइज एक मिनट सुनो एक लाख आज चाहिए एक लाख तीन साल बाद चाहिए एवरी वन ऑफ यू किस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे आज बिकॉज ऑफ फोर रीजन एक नहीं चार रीजन है इसके एवरी वन ऑफ अस प्रफर टू डेज मनी कंपेयर टू फ्यूचर मनी डू यू अग्री एवरी वन ऑफ अस सिटिंग ईयर कोई है ऐसा जो बोलेगा नहीं सर मुझे फ्यूचर मनी ज्यादा अच्छा लगता है प्रेजेंट मनी नहीं चाहिए तो एक काम कर मुझे पैसा दे दे मैं फ्यूचर में देगा तक एवरी वन ऑफ अस ऑलवेज प्रेफर प्रेजेंट मनी नॉट द फ्यूचर क्यू चार रीजन पहला रीजन बोलिए इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की वजह से फ्यूचर का एक लाख जो तीन साल बाद मिलेगा ध्यान दे भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, है सब लोग ध्यान देंगे फ्यूचर का एक लाख जो तीन साल बाद मिलेगा उसका परचेजिंग पावर ज्यादा है या आज का ज्यादा है आज का ज्यादा है ना आज के एक लाख में गुड्स एंड सर्विसेस ज्यादा आएंगे ना तो फिर फर्स्ट रीजन क्या बन गया इन्फ्लेशन बन गया सेकेंड रीजन वाई यू ऑलवेज यू नो लव प्रेजेंट मनी कंपेयर टू फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोला रहे हो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं समझता मेरे को क्या है अभी अगर अभी इन्वेस्ट कर दिया आपने सर अभी दे दिया हम उसे इन्वेस्ट कर देंगे तीन सालों तक इज्जत से पड़ेंगे तीन सालों बाद वो विदड्रॉ करेंगे तो एक लाख तोड़ना ना रहेंगे एक लाख से ज्यादा रहेंगे सही है कि नहीं तो इसे क्या बुलाते हैं अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल ऑफ यू क्या बोलेंगे इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तीसरा रीजन वाय यू फील यूर टूडेज मनी इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेर्ड टू फ्यूचर रिस्क रिस्क मतलब भरोसा नहीं है मेरे पे तुमको भरोसा नहीं है <laughs> बोल रहे हो सर दे दो भरोसा हो जाएगा है ना अगर मैं बोलू तीन साल बाद आपको कि आप कौन कौन सी बैच कौन सा वादा तो ऑब्वियसली ये रिस्क तो है ना तो ये आज का पैसा एक लाख मिल रहा था तीन सालों बाद भी एक लाख मिल रहा है आज ही ले लो क्योंकि आज मिल गया वो जेब आप जेब में आपके रहेगा कल मिलेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं रहता है फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन तो अनप्रडिक्टेबल अनसर्टेन है रिस्क है भाई करेक्ट नहीं और मेरे पास भी पैसा आज है फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा क्या मानूम नियत भी आज है फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा क्या मानूम इंटेंशन है भाई देना है राइट right? ये हो सकता है सर <coughs> अब लास्ट रीजन पैसा आज ही चाहिए फ्यूचर में नहीं चाहिए किसी को भी पैसा आज ही चाहिए क्यों भाई आज यूटिलाइज करने मिल जाएगा देखिए करेक्ट मेरे मुझे लगा ही था ये आंसर लड़की देगी कोई तो है ना शॉपिंग पैसा आज मिला तो ऑब्वियसली यूटिलाइजेशन आज ही हो जाएगा खर्चा शॉपिंग एक लाख मिला चलो उड़ाते फूड फूड के लिए ओ माय गॉड दया फूड सर फूड एक लाख का फूड खाएगी तू तो गाइज दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट कंजम्पन क्या बोलाते अगर पैसा आज ही मिल जाए तो प्रेजेंट कंजम्पन के लिए काम में आ सकता है तो गाइस देर आर फोर रीजन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितने रीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रेलिवेंस है ये ध्यान से सुनो आसान बात नहीं है ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है ये जो स्क्रीन पे लिखा है ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है एकदम इजी कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू ऑफ मनी डेफर्स विद टाइम बिकॉज ऑफ दिस फोर रीजन पहला रीजन है इन्फ्लेशन भाई समय के साथ साथ गुड्स एंड सर्विस के दाम बढ़ेंगे और आपके मनी का वैल्यू कम होगा क्लियर दूसरा बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समय के साथ पैसा ग्रो हो सकता है अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो तीसरा बात रिस्क फ्यूचर मनी में रिस्क है प्रेजेंट मनी में रिस्क नहीं है इसीलिए किसी को भी प्रेजेंट मनी ज्यादा अच्छा लगता है एंड लास्ट प्रेजेंट कंजम्पशन कि भाई पैसा आज मिल जाए तो आज ही कंजम्पशन कर सकते हैं वेट क्यों करें आर यू वेटिंग इन्फ्लेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिस्क प्रेजेंट कंजम्पशन थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड अब बच चुके फाइव फाइव हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में Thank you so much. See you. Bye bye. एमसीक्यू के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है इंटर लेवल पर इंटर लेवल पर एमसीक्यू के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है डोंट वरी एट ऑल